दोस्तों एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर जैसे सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ये बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर आप घर बैठे एमएस ऑफिस का कंप्लीट पैकेज सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अदर टेक्नोलॉजीज के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो एक्सेल है हमने ओपन कर ली है। अब चूंकि ये वीडियो बिगिनर्स से लेकर एडवांस्ड यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है, तो जो एडवांस यूजर हैं एक्सेल को जानते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे उनके भी काम की चीज़ें आने वाली हैं। शुरू से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो वीडियो का जो लेक्चर है वो लंबा होने वाला है। आराम से बैठिए, ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है। तो थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं कि एक्सेल होता क्या है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बहुत नए यूज़र हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी दिखाई देंगे और साइड में आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। अब ये दोनों जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। जब ए बी सी डी आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो आप असल में एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, और जब आप 1 2 3 को सेलेक्ट करेंगे तब आप एक रॉ को सेलेक्ट कर रहे हैं। और रॉ और कॉलम जहाँ पर जाकर मिलते हैं, जैसे अगर डी को और 5 को मिला दिया जाए, तो यहाँ पर ये जो इनका संगम होगा ये असल में एक सेल बनाता है, और इस सेल का नाम इन दोनों रॉ और कॉलम को मिलाकर रखा जाता है। और ये कहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए D5 दिखाई दे रहा है, अब यहाँ किसी और पे क्लिक करूँगा तो देखिए C5 दिखाई देगा, अगर और दूसरे किसी सेल पर क्लिक करूँगा तो E3 दिखाई देगा, और जो पहला सेल उसका नाम A1 होता है। तो यहाँ पर ये सिंपल मेथड है कि यहाँ पर जो एक्सेल में आपको ये जितने भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये असल में सेल हैं, और ये सेल में ही हम सारा डेटाबेस फीड करते हैं। सेल को ही आपस में हम कैलकुलेट करते हैं, सेल के अंदर कोई भी फिगर लिखी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले में हम सेल का नाम एंटर कराते हैं और वहीं से वो सारी कैलकुलेशन होती है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो एक्सेल की मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक फार्मूला बार, यहाँ पर आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे सेल में वो साथ के साथ आपको यहाँ भी दिखाई देती जाएगी। और एक चीज़ और भी है कि अगर किसी सेल में आप फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला है, जो कैलकुलेशन आई है, जो आंसर आया है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो फार्मूला आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने 25 और 25 को जोड़ा, यहाँ पर हमने लगाया बराबर का निशान और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम सेल से सेल को जोड़ते हैं ना कि नंबर से नंबर को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने C1 के साथ में C2 को प्लस किया है, ना कि 25 के साथ में 25 को। तो ये अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और वही फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन एंटर करते ही यहाँ पर आपको फिगर दिखाई देगी और यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन सेल्स में फार्मूला लगा होता है तो वहाँ पर हमें जो आंसर है वो दिखाई देता है, रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उस रिजल्ट में फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर दिखाई देता है फार्मूला बार में। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर अगर किसी सेल की आपको विड्थ घटानी बढ़ानी है तो आप यहाँ पर बीच में ले जाइए उसको, ये देखिए ये इसकी विड्थ बढ़ा दी हमने। अगर हाइट बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर रॉ पर जाना होगा और आप जाके वहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं। एक साथ में अगर घटाना बढ़ाना हो तो सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, और कहीं से भी आप किसी को भी पकड़ के खींचेंगे तो आप एक साथ में भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद में यहाँ पर यो आगे आपको जो पूरी मेन्यू दिखाई दे रही है, इससे अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने सेल की। अब देखिए अगर आपने एमएस वर्ड चलाया होगा, बेसिक चीज़ें चलाई होंगी, तो आपको पता होगा कि ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप किसी भी सेल के अंदर लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये फॉन्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं, यानी अगर आपको इंग्लिश का कोई भी फॉन्ट चाहिए, हिंदी का कोई भी फॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, बहुत बेसिक चीज़ है कंप्यूटर में, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो तो ये आपको पता ही होगा। इन चीज़ों को मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं कि ये बोल्ड होगा, बहुत बेसिक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको पता होना चाहिए अगर आप एक एक्सेल चलाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर
हम इसके बाद अलाइनमेंट पे जाएंगे, क्योंकि अलाइनमेंट में यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें दी गई हैं, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अभी जो हमारा अलाइनमेंट है वो दिया गया है बॉटम एल्गिन पर, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम पर है और राइट में रखा हुआ है। अगर यहाँ से आप इसे सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में पहुँच जाएगा, लेकिन रहेगा अभी भी राइट में, और अगर इसे टॉप करेंगे तो ये टॉप में पहुंच जाएगा लेकिन रहेगा अभी भी राइट में। तो अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से इन तीनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में रखने के लिए दोनों जो अलाइनमेंट है उनको सेंटर में रख लीजिए। अब बहुत सारे लोग एक्सेल में लेके आते हैं टेक्स्ट को घुमाते कैसे हैं, रोटेट कैसे कराते हैं, उनका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको सारे रोटेशन मिल जाएंगे, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्लॉकवाइज उसको घुमा सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, या जब आप नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट सेल के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक आपको एनिमेटेड बटन भी मिल जाएगा, जैसे आप इसे लीवर को ऊपर नीचे करेंगे उसी डायरेक्शन में जो आपका टेक्स्ट है वो घूम जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो आता है मर्ज और सेंटर का, जहाँ पर हम दो सेल्स को मिलाकर एक सेल बना देते हैं और वो सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को मर्ज भी कर देता है और साथ में सेंटर भी कर देता है। वो कैसे करता है, मैं यहाँ से ही इसको खींच के दो सेल्स में ले जाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर जो 25 लिखा है, चलिए दोबारा इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एंगल को ठीक करेंगे, इसको ले आएंगे सेंटर में, ओके कर देंगे। तो अब मान लीजिए ये जो 25 ऊपर लिखा हुआ है, ये इन दोनों सेल्स को हमें मर्ज कराना है। तो कैसे कराएंगे, बस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज और सेंटर का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब होगा क्या कि इन दोनों सेल्स के ऊपर एक सेल बन गया। और ये आप कैसे भी बना सकते हो, आप 10 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, 20 सेल को सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम में अगर आपको सेलेक्ट करना है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, अगर रो को सेलेक्ट करना है तो रो को भी कर सकते हो। यहाँ से इस तरह से आपको ये सेलेक्ट करना है, मर्ज और सेंटर पर क्लिक करना है, आप देखिए यहाँ पर एक सेल बन गया। इस पर बॉर्डर लगाना बहुत आसान है, बस आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको बॉर्डर के ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अब आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया होगा उसके कॉर्नर साइड पे ये बॉर्डर जाके लगेगा। अगर आप बॉटम बॉर्डर लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ नीचे बॉर्डर आएगा। देखो क्लिक किया, नीचे एक लाइन आ गई, पूरे हर लाइन के या हर सेल के बीच में एक लाइन नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा ऑल बॉर्डर को। तो जैसे आप ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तो आप देखो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उस सारे एरिए में लाइंस आ गई हैं और अच्छे से बॉर्डर बन गया है। तो ये बॉर्डर की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए अलग अलग सेल्स को और ये सारे बॉर्डर आप लगा के देखिए। बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम है, बड़े आराम से कर सकते हो। अब जो बड़ों वाला काम है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग की। देखिए जब एक्सेल में हम जब डेटा फीड करते हैं तो एक्सेल को ये बताना ज़रूरी होता है कि भैया हम डेटा फीड क्या कर रहे हैं, हम रुपये लिख रहे हैं, पैसे लिख रहे हैं, हम टाइम लिख रहे हैं, हम डेट लिख रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं, आखिर सेल में ये एक्सेल पहचानने का कैसे। तो वो जो सारा पहचानने का काम है वो यहाँ से होता है नंबर फॉर्मेटिंग से। मानिए ये 26 लिखा है, ये क्या है, एक नंबर है, रुपए हैं, डेट है, टाइम है, क्या चीज़ है, परसेंटेज है, तो ये एक्सेल को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके की आपको नंबर फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, जिसमें जर्नल, जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं दी गई होती है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी जो फॉर्मेटिंग है वो है नंबर फॉर्मेटिंग। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डॉट लगकर जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो आ जाएंगे, और इनको भी घटाना बढ़ाना बहुत आसान है। आपने मान लीजिए किसी सेल में नंबरिंग फॉर्मेटिंग लगा रखी है और ये डेसिमल प्लेसेस आपको घटाने हैं या बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर इनका ऑप्शन दिया गया होता है। तो यहाँ से जैसे आप इसे क्लिक करेंगे डिक्रीज पर तो ये घटने शुरू हो जाएंगे, और इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी जगह में ज़रूरत होती है कि रुपये के बाद में हमें पैसे भी लिखने होते हैं, तो यहाँ से हम वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे अगली फॉर्मेटिंग करेंसी की दी गई है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर आपका करेंसी का जो लोगो है, जो सिंबल है वो आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर रुपए का नहीं चाहिए हमें, अगर डॉलर का चाहिए तो यहाँ पर ये छोटा सा एरो बना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो सिंबल। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो भी सिंबल्स हैं वो सारे दिख जाएंगे। मैंने यहाँ पर रुपए का सेलेक्ट कर रखा है, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सिंबल आपके एक्सेल के जो भी करेंसी फॉर्मेटिंग है वहाँ पर आकर लग जाएगा। आप जो भी चाहे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हमें मिलता है अकाउंटिंग का फॉर्मेटिंग, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट डेट दिया गया है, लॉन्ग डेट दिया गया है, तो मैंने एक पिछले एक वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है मैं नीचे
जो पूरी प्लेलिस्ट है एक्सेल की वो मैं डाल दूंगा। मैंने 200 से 250 के लगभग वीडियो एक्सेल के ऊपर यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो उनमें को आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई हैं ये सारी चीज़ें। अब जैसे ही इस नंबर के साथ आप शॉर्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे एक डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्सेल इसको डेट ही मानेगा, आगे जहाँ भी हमें डेट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी एक्सेल बड़े आराम से वहाँ पर कर लेगा। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो सकती है। टाइम को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल को टाइम मानेगा, उसके बाद में परसेंटेज का नंबर आ जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इसको परसेंटेज मांगेगा। तो परसेंटेज का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर हमें सीधे सीधे जहाँ पर गुणा करना होता है तो वहाँ पर हमें बीच में 100 को नहीं लगाना पड़ता है, सीधे सीधे आप गुणा कर सकते हैं। तो जैसे 25 का 5% निकालना है तो बराबर लगाया, 25 किया गुणा 5 किया और एंटर कर दिया। आप देखिए 25 का 5% यहाँ पर आ गया है। तो परसेंटेज में हम किसी सेल को अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। इससे आप कोई भी कंडीशन आपकी हो आप सेल को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि भैया अगर बड़े नंबर्स हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे, अगर छोटे नंबर हमें दिए गए हैं, अगर हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है ये उस कंडीशन में वहाँ पर लगाए जाते हैं। कोई भी कंडीशन अगर आप दे देंगे वहाँ पर रूल सेट कर देंगे तो आप इसको वहाँ से पता लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर एक वीडियो अलग से दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर जो भी नंबर 15 से कम है वो डिस्प्ले मुझे कर दे। तो यहाँ पर जाना है, आपको 15 से कम वाले देखने हैं तो लेस देन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सिर्फ 15 डाल देना है। तो आप देखिए 15 से कम वाले जितने भी नंबर होंगे ना आपको यहाँ पर तुरंत से डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर और भी किसी नंबर में आप बदलाव करते हैं और जो 15 से कम होता है जैसे यहाँ पर 13, तो वो भी आपको तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक्सेल का अगर बड़ा डेटाबेस आप बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, इससे आप सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आगे आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आगे वीडियो ज़रूर देखते रहिए। बेस स्पेशल को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है सम का और नीचे भी हमने सम का फार्मूला लगाया है, साथ में हमने सेल्स को फॉर्मेटिंग भी दी है। अब इस पर हम एक बॉर्डर और लगा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ इसको। तो ये देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस टेबल में की हैं और हम समझते हैं बेस स्पेशल होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने इस पूरी टेबल को सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया। अब इसको अगर सीधे सीधे आप पेस्ट करेंगे तो ये जो टेबल है वो ज्यों की त्यों नीचे आ जाएगी और यहाँ पर वो सभी फार्मूले और सभी फॉर्मेटिंग जैसी थी वैसी पेस्ट हो जाएगी। तो ये तो था सिंपल इसको पेस्ट करना। अब इसके अलावा इसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें हमें लेनी हैं तो हम कैसे करेंगे। तो ये अभी टेबल जो है वो कॉपी है और इसके बाद में हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल पर। आप यहाँ पर देखेंगे पेस्ट स्पेशल में जो हमने पहला ऑप्शन इस्तेमाल किया था सिंपल पेस्ट का वो था ये ऑल वाला, यानी यहाँ पर जो बॉर्डर था वो भी पेस्ट हो गया, जो फॉर्मेटिंग थी वो भी पेस्ट हो गई, कलर्स थे बैकग्राउंड कलर्स थे वो सारी चीज़ें जो कि पेस्ट हो गई। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है फार्मूलाज का, यहाँ पर ये केवल इस टेबल से फार्मूला लेगा, आपका टेक्स्ट लेगा, नंबर लेगा, जो फॉर्मेटिंग है वो उसको पेस्ट नहीं करेगा। फॉर्मेटिंग से मतलब आप समझते हैं जो टेक्स्ट का कलर होता है, जो टेक्स्ट की बैकग्राउंड होती है और ये जो बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। और इसको छोड़कर जो बाकी सारी चीज़ें बचती हैं वो है यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट और ये जो नंबर लिखे हैं और जो फार्मूला लगा है। तो जब आप इसे टिक करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो वही सारी चीज़ें पेस्ट होंगी, आपके जो नंबर हैं वो आ गए, जो टेक्स्ट लिखा था वो आ गया और जो फार्मूले लगे थे वो यहाँ पर पेस्ट हो गए। इसके बाद में एक ऑप्शन और है, हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है वैल्यू का, अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें जो हमने यहाँ पर जो डिजिट निकाले हैं वो हमने फार्मूला लगा कर निकाले हैं, जैसे हमने ये जो सम किया था वो यहाँ पर सम का हमने कर रखा है। तो यहाँ पर हमने ये जो सभी सेल्स हैं वो सम करके ले रखे हैं। अगर आप इसे सिंपल कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इसको ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूले लगे थे वो लगे थे इन सेल्स के लिए, तो वो इस तरीके से इसको पेस्ट करेगा। लेकिन आपको इसमें से केवल वैल्यू लेनी है, जो 105 है, जो 109 है, जो 113 है, वो वैल्यू उठानी है। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे इसको वैल्यू। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो वो इस फार्मूले में से वैल्यू को उठा लेगा। तो एक बहुत काम का फार्मूला है, कई जगह इसकी ज़रूरत होती है वैल्यू को कॉपी करने की, तो आप यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। पूरी टेबल को भी अगर आप उठा के लेंगे तो वहाँ से
पूरी टेबल को भी अगर आप कॉपी करेंगे तो वहाँ से फॉर्मूला कॉपी नहीं होंगे, केवल जो पेस्ट की जाएगी वो वैल्यू पेस्ट की जाएगी। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी फार्मूला नहीं आया है, जो वैल्यू थी वो पेस्ट हुई है। इसके बाद में पेस स्पेशल में एक चीज़ और आती है, इसे दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। पेस स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ये जो टेबल अभी पेस्ट की थी, जो इसके सेल हैं नीचे वाले, जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर की है, जो टेक्स्ट है वो कहीं पर रेड है और कहीं पर ब्लैक है। अब हमें यही सेम फॉर्मेट यहाँ पर लेनी है, तो आपको सिंपल इसे कॉपी करना है, किसी भी रॉ को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप चाहिए बीच वाली रॉ पर, हमें ये जो इस जैसी रॉ है वो ये बीच वाली रॉ करनी है। लेकिन अगर आप इसे सिंपल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ में डेटा और फार्मूला भी उठ के चला जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, हमें लेना है सिर्फ इसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जो बीच वाला जो थर्सडे है उस पर ले जाकर इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट को, और जब इसे पेस्ट करेंगे तो सिर्फ जो फॉर्मेट है वो वहाँ पर जाके पेस्ट होगी, ना कि उसका डेटा। आप एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं कॉपी और यहाँ से हम पेस्ट करते हैं फॉर्मेट। आप देखिए जो इस रॉ की पूरी फॉर्मेट थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है, डेटा पेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आपने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कहीं पर लगाई हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है मैं आपको एक बार छोटा सा उदाहरण देके समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए लगाया है कि डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करे, तो यहाँ पर इस रॉ में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू हमने 27 लिख दी, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को वो हाईलाइट कर रहा है। अब यही जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये आपको किसी और रॉ में लगानी है या किसी और कॉलम में लगानी है, तो आप सिंपल इसे कॉपी कीजिए और वहाँ पर जाकर पेस्ट स्पेशल पर जाइए और यहाँ से फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई और जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो भी हाईलाइट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेट दोनों को कॉपी कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद में आता है कमेंट्स कॉपी करने का। आप किसी सेल के लिए आपने कोई कमेंट लिखा है, यहाँ पर इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप किसी सेल के लिए कोई भी कमेंट लिख सकते हैं कि ये सेल हमने इस चीज़ के लिए बनाया था। अब केवल कमेंट को कॉपी करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कमेंट्स का ऑप्शन है। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो केवल जो कमेंट्स हैं वो कॉपी होंगे, ना डेटा कॉपी होगा ना फॉर्मेट कॉपी होगी, केवल जो कमेंट हैं वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से ये कमेंट कॉपी हो गया। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वैलिडेशन का। वैलिडेशन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि डेटा वैलिडेशन में किसी भी रॉ के लिए आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और एक दायरा फिक्स हो जाता है कि उससे बाहर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक डेटा वैलिडेशन लगा के देख लेते हैं। हम जाते हैं डाटा पर और यहाँ पर हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन पर, एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पर कि जो होल नंबर है वो या तो 20 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 30 होगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम से अगर ऊपर जाता है, इसको सेटिंग में जाते हैं और एरर अलर्ट के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ये गलत है, इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। और अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, यानी आप 20 से कम कोई अंक टाइप करेंगे तो ये आपको अलर्ट देगा, और 20 से ज़्यादा का कोई डिजिट टाइप करेंगे तो ये आपको अलर्ट देगा। आप देखिए ये गलत है लिखा हुआ आ रहा है, और इसी तरीके से आप 19 यहाँ पर टाइप करेंगे तो भी यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा। हमने ब्लैंक के लिए एरर नहीं लगाया है, तो आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। अब इस वैलिडेशन को आप किसी और सेल में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको बार बार डेटा वैलिडेशन नहीं लगाना होगा। इसको यहाँ से पेस्ट स्पेशल कीजिए, वैलिडेशन पर जाइए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर भी वही वैलिडेशन अप्लाई हो गया है, आप यहाँ पर 31 लिखेंगे तो यहाँ पर वो एरर आने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बिना किसी फॉर्मूले के आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वो फार्मूला है पेस्ट स्पेशल। जी हाँ, बिना कोई फार्मूला टाइप किए आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा नंबर हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर 2 टाइप कर लिया है। यहाँ से ये जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं हम चाहते हैं कि उनमें ये जो 2 नंबर है ये ऐड हो जाए, तो पेस्ट स्पेशल से इसे ऐड कैसे करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, सिंपल यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट स्पेशल कीजिए और यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे कुछ 4 ऑप्शन। आप ऐड पर अगर क्लिक करेंगे तो ये जो 2 है, आप देखिए 25 और 2 को जोड़ना है, तो आप ऐड पर क्लिक कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे 25 में वो जो 2 लिखा हुआ था वो जुड़ गया है। इसी तरीके से अगर आप
इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल कीजिए, और यहाँ से आप देखेंगे आपको मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो रॉ है पूरी और यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं, आप इन्हें दो से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ये जो रॉ थी वो इससे मल्टीप्लाई हो गई है, लेकिन इसके लिए आपको कॉपी करना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। दोबारा से हम एक बार कॉपी करके दिखा देते हैं, हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं एक बार कॉपी, और यहाँ पर हम दोबारा से इसको थोड़ा सा अंडू कर लेंगे, यहाँ पर दो ले आएंगे और इसके बाद फिर से इसको पेस्ट करके देखेंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर हम इसको करेंगे अब डिवाइड। तो यहाँ पर इसको डिवाइड का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आप, और ये आप देखेंगे कि जो ये जो रॉ है वो दो से डिवाइड हो गई है। अगर क्विकली आपको कोई गुणा भाग करना है तो आप पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि ये जो संडे मंडे हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक लिखे हुए हैं, यानी ये कॉलम में लिखे हुए हैं, आपको अचानक से ये रॉ में लिखना हो, यानी यहाँ ये ना लिख के आपको इसको ऊपर पेस्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो संडे मंडे हैं वो आपके ऊपर वाले रॉ में आ गए हैं। अब एक ऑप्शन और मैं आपको पेस्ट स्पेशल का बता देता हूँ। कभी कभी ये जो टेबल है वो हमें दूसरी शीट पर ले जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर एक परेशानी हमें आती है। आप देखिए हमने यहाँ पर कुछ जो कॉलम विड्थ हैं उनको अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, लेकिन जब इस टेबल को हम दूसरी शीट पर पेस्ट करते हैं तो होता क्या है, जो कॉलम विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल की तरफ से दी गई होती है वो सेट हो जाती है, और फिर दोबारा से हमें इसे सेट करना होता है। लेकिन इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कॉलम विड्थ एक्सेल की तरफ से दी गई है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप इसको दोबारा से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर जाइए और ये कॉलम विड्थ जो यहाँ पर दिए गए हैं इसको सेलेक्ट करके इसे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो कॉलम विड्थ आपकी इस टेबल की थी वो सेम आपके दूसरी टेबल पर अपने आप आ गई है। तो एक्सेल में प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक दो शीट बनाई हैं जिससे हम आपको समझा सकें। तो यहाँ हमारे पास एक शीट है और एक्सेल में जब आप प्रिंट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्रिंट एरिया, क्योंकि एक्सेल में कोई भी शीट की कहीं कोई एंडिंग नहीं होती है। जब आप प्रीव्यू में देखेंगे तब आपको यहाँ पर पेज दिखाई देगा, लेकिन जब आप शीट पर देखेंगे तो आपको कोई भी एंडिंग दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर आपको प्रिंट एरिया पहचानना होगा। प्रिंट एरिया जब आप कैसे निकालेंगे कि आपने कोई मैटर एक्सेल में टाइप किया है, आप प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F2 दबाएंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने जो मैटर टाइप किया है वो आपके पेज पर कहाँ आएगा। लेकिन अगर आपका मैटर इससे भी बड़ा है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी फाइल तैयार की है, तो आप कैसे देख पाएंगे वो कितने पेजों में आएगा और कहाँ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बीच में एक हल्की डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। यही लाइन एक्सेल की शीट पर आपके पेज को डिवाइड करती है, यानी कि इस बॉर्डर के अंदर, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। तो इन सभी पेजों को अलग अलग देखने के लिए आप व्यू पर चले जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज लेआउट व्यू। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी पेज इस तरह से आपको अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए बिल्कुल MS Word की तरह, जैसे MS Word में पेजेस दिखाई देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। आप अपने टास्क बार से भी पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू को अलग अलग कर सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू वो है कि जो मैटर टाइप किया है केवल उसी को यहाँ पर दिखाएगा कि वो एक पेज पर आ पाएगा कि नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे ये पेज ब्रेक व्यू है, अगर ये मैटर दो पेजेस में होता तो ये उसको अलग अलग करके दिखा देता। तो सबसे बेस्ट नॉर्मल शीट पे काम करना है। अगर आप नॉर्मल शीट पे काम करते हैं और प्रीव्यू चेक करके डॉटेड लाइन के हिसाब से ये चेक कर लेते हैं कि मेरा मैटर एक पेज पर है या दो पेज पर है, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इस समय जो पेज सेटअप में यहाँ पर जो पेज साइज लगा हुआ है वो लेटर साइज लगा हुआ है, वो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे A4 करेंगे तो ये डॉटेड लाइन थोड़ी सी ऊपर खिसक जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस समय ये हमको थोड़ा सा उदाहरण देके दिखा देते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो डॉटेड लाइन है वो 47 नंबर वाली सेल पर है। अभी हमने यहाँ से पेज साइज़ को चेंज किया और A4 लगा दिया तो आप देखेंगे वो 50 पर पहुँच गई, और अगर हम इसे लीगल कर देंगे तो ये और नीचे खिसक जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 61 पर।
तो इस तरीके से ये जो पेज पर डॉटेड लाइन है यानी कि जो आपका प्रिंट एरिया है वो घटता बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सोच लीजिए कि ये जो डॉटेड लाइन है ये मार्जिन को छोड़ने के बाद में है, यानी कि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो जो मैटर है वो मार्जिन के साथ में ही निकलेगा। इस डॉटेड लाइन के अंदर जो भी मैटर होगा वो पूरा आपके पेज पर आ जाएगा। इसके अलावा मार्जिन भी इन्होंने जोड़ रखा है। तो ये तो तरीका था आपके प्रिंट एरिया को पहचानने का। अब प्रिंट एरिया आप अपने हिसाब से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मैनुअली प्रिंट एरिया सेट करने के लिए आपको जितना भी आपने मैटर टाइप किया है और आप चाहते हैं कि उस मैटर के अलावा और कोई मैटर पेज से प्रिंट हो ना, यानी कि हम अभी हम इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको दो जगह पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको एक लाइन छोड़ के यहाँ पर पेस्ट किया तो ये मैटर यहाँ भी है और यहाँ भी है और ये दूसरे शीट पर भी जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो पहली टेबल बनाई है वही केवल प्रिंट निकले, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिंट एरिया का ऑप्शन। प्रिंट एरिया में यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी सारी जो डॉटेड लाइन है वो गायब हो जाएंगी और आपके जो मैटर आपने सेलेक्ट किया था केवल उस पर एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो केवल यही प्रिंट निकलेगा जो आपने अभी सेलेक्ट किया था, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आप देखिए अभी इसको प्रीव्यू में भी देखेंगे तो केवल यही प्रिंट आएगा और जो हमने और भी मैटर पेज पर लिया हुआ है जो टेबल बनाई है वो प्रिंट नहीं होगी। इसको हटाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, प्रिंट एरिया पर जाना है और क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है। और अगर इसी प्रिंट एरिया में आपको और भी चीज़ें जोड़नी है तो आपको सिंपल इतना करना है कि आपको दूसरी जगह को भी सेलेक्ट करना है और ऐड टू प्रिंट एरिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये टेबल और ये टेबल प्रिंट होगी, ये दूसरे पेज पर आ गई देखिए अपने आप, और बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बाकी कुछ भी से मतलब ये है कि अभी हम इस पर और सेल और कॉलम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने सभी जगह बॉर्डर बना दिया, लेकिन आप देखेंगे कि प्रिंट में केवल यही दो टेबल आएंगी। अगर ये प्रिंट एरिया हम हटा देते हैं तो यहाँ से जो पूरे हमने जो टेबल बना रखी है वो पूरी आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो ये तरीका है प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करने का। प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने से आप केवल दो कॉलम्स का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेट प्रिंट एरिया कर दिया और केवल दो कॉलम का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात करें कि हमारी टेबल काफ़ी बड़ी है और ये हमें केवल एक ही पेज पर निकालनी है, यानी ये दोनों जो टेबल हैं ये हमारे पेज से बाहर जा रहा है, ये जो मैटर है ये पेज से बाहर जा रहा है, लेकिन ये हमें एक ही पेज पर प्रिंट करना है कैसे भी करके। तो बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं कि इसको टेबल को छोटा करने लगते हैं, साइज़ को छोटा बड़ा करके उसको एक पेज पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर कॉलम और भी ज़्यादा हो तो परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप पेज प्रीव्यू पर जाइए, पेज सेटअप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्केलिंग का। स्केलिंग में आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो फिट टू वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। तो जब फिट टू आप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में आपको वन और वन भर देना है, यानी कि टेल और वाइड में आपको वन भर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा मैटर है वो सिकुड़कर अपने आप एक ही पेज पर आ जाएगा। आप देखिए कितना भी लंबा चौड़ा आपका मैटर हो वो एक पेज पर अपने आप सेट हो जाएगा, आपको कोई कॉलम खिसकाने की जरूरत नहीं है। वो जो फॉन्ट साइज़ है, जो टेबल है, वो अपने आप एडजस्ट होकर आपके एक सिंगल पेज पर आ जाएगी। तो एक बहुत कामयाब ऑप्शन है। आप इससे आपका जो मैटर है वो चाहे शीट के बाहर हो चाहे शीट के अंदर हो, अगर आपको एक ही शीट पर आपको प्रिंट करना है तो आप इस फिट टू ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इससे आप एक ही शीट पर प्रिंट कर सकते हैं। वो इसे अपने आप एडजस्ट करके उसने 42% जो है एडजस्ट कर दिया, उसको आपका एक पेज पर आ गया। ये था आपका एक मैटर को शीट पर फिक्स करना। अब इसका पेज सेटअप समझ लेते हैं कि इसके पेज सेटअप में और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो जब आप प्रिंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आएगा प्रिंट रेंज, पेज फ्रॉम और टू, लेकिन यहाँ पर पेज तो है ही नहीं, तो हम पेज निकालेंगे कैसे कि हमें कौन से पेज का प्रिंट निकालना है कौन से का नहीं। तो ये जो पेज लेआउट व्यू है वो इसी काम के लिए है कि ये आपके मैटर को बता देगा कि आपका मैटर एक पेज पर है या दो पेज पर है। अभी फ़िलहाल हमने इसको श्रिंक कर रखा है, यानी 42% हम इसको लेस कर रखा है। अब इसे हम 100% कर लेते हैं, तब आपको मैं कुछ दिखा पाता हूँ। इसको 100% कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा मैटर 100% हो गया। अब हम इसको देखते हैं पेज लेआउट व्यू में जाके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 1 है। जब आप इसको क्लिक करेंगे पेज पर तो आपको यहाँ पर पेज नंबर अपने आप दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ कोई मैटर नहीं है। जिन पेजेस पे मैटर है वहाँ पर पेज 1 और पेज 2
लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, जो आपका टास्क बार है वहाँ पर आपको पेज नंबर वो दिखाएगा। तो अब मान लीजिए कि हमको पेज नंबर 2 का प्रिंट निकालना है, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। तो हमें पेज नंबर 2 का प्रिंट निकालना है, यानी कि इस वाली शीट का। तो आपको सिर्फ पेज नंबर 2 टाइप वहाँ पर करना होगा। तो हम प्रिंट करते हैं इसको, और प्रिंट करने पर हम यहाँ पर पेज 2 फ्रॉम 2, तो क्या होगा कि केवल पेज नंबर सॉरी शीट नंबर 2 का प्रिंट आउट निकलेगा। शीट नंबर 2 से पहले का कोई प्रिंट आउट नहीं आएगा, सिर्फ शीट नंबर 2 का प्रिंट आउट आएगा। अगर आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वर्कशीट है उस वर्कशीट का प्रिंट आउट आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो शीट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक्टिव शीट हो, यानी कि जिस पर आप काम कर रहे हैं, जो शीट खुली हुई है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है सिलेक्शन का। अब ये सिलेक्शन का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप अभी हम दोबारा से नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है केवल इन सेल्स का प्रिंट आउट, यानी 17 से लेके 24 तक के जितने लोग हैं या 1 से लेके 7 तक के जितने लोग हैं, केवल इन सेल्स का प्रिंट आउट निकालना है। तो आप इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ पर ऑल पर क्लिक करते हुए आप सिलेक्शन पर भी टिक लगा देंगे। इससे क्या होगा, केवल ये जो आपने सेल सेलेक्ट किए हैं इन्हीं का प्रिंट आउट निकलेगा। प्रीव्यू में देख सकते हैं यहाँ पर किसी और चीज़ का प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑल लगाएंगे प्रिंट रेंज में और यहाँ पर करेंगे सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन कर देंगे तो केवल इन्हीं सेल्स का प्रिंट आउट निकाला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है एंटायर वर्क बुक। तो जब आप एंटायर वर्क बुक को सिलेक्ट कर लेंगे तो जो आपकी पूरी वर्क बुक है उसका प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर वर्क बुक में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितनी भी शीट हैं, शीट नंबर 1 पर जो भी मैटर होगा, शीट नंबर 2 पर जो मैटर होगा, वो सभी प्रिंट आउट आ जाएगा। इसका एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 9 पेजेस का प्रिंट आउट निकाला जाएगा, और 9 पेज किस तरीके से इन्होंने बनाए हैं। तो ये जो पहला हमारी शीट है, ये जो मैटर है वो हमारी पहली शीट पर टाइप है, और इसके बाद में ये जो मैटर है ये हमारी दूसरी शीट पर टाइप है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर एंटायर वर्कबुक वाला, ये सभी शीटों के प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देगा। अब जब आप प्रिंट निकाल लेंगे, ये सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को आप यहाँ पर जानते ही हैं कि आप 1, 2, 3, 4 करके कितनी भी कॉपियाज दे सकते हैं। लेकिन इसके नीचे एक ऑप्शन है कॉलेट का। ये ऑप्शन क्या करता है, अगर आप इस पर टिक नहीं लगाते हैं तो क्या करेगा कि ये पहले पेज की आपने जितनी भी कॉपियाँ दी हैं, जैसे 3 हैं और हमारे पास पेज 2 हैं, तो पहले पेज की 3 कॉपियाँ निकालेगा, फिर उसके बाद दूसरे पेज की 3 कॉपियाँ। लेकिन अगर आप कॉलेट पर क्लिक कर देते हैं तो ये उनके सेट बना देगा। यानी अगर आपकी शीट में 10 पेज हैं तो पहले 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा एक बार, फिर दूसरी बार में 1 से लेकर 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा, फिर तीसरी बार में 1 से लेकर 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा। तो ये ऑप्शन, अगर आप के पास अलग अलग तरह के पेज हैं और आप उनको एक सेट बनाना चाहते हैं उनका, तो इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करें ज़्यादा कॉपियाँ निकालने के लिए, क्योंकि बाद में भी आपको फिर सेट बनाने पड़ेंगे, तो ये अपने आप उनके सेट बना के आपको प्रिंट दे देगा। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेज सेटअप का ऑप्शन है। पेज सेटअप में यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से पेज, आपके पास A4 है, लीगल है, आप उस पर कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। यानी कि मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन चारों तरफ का बॉर्डर होता है जिस पर प्रिंट नहीं निकलता है। तो सबसे बेटर है अगर आप नॉर्मल मार्जिन का इस्तेमाल करें। इसके बाद में ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट माने है खड़ा पेज और लैंडस्केप माने है आड़ा पेज। तो आप प्रिंटर में तो आपके में आप एक ही तरीके से पेज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको सेटअप कर लेंगे तो वो अपने आप इसको सेट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है साइज़ का। तो मार्केट में अभी केवल 2 साइज़ के पेज ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, A4 का और लीगल का। तो आपके पास जो पेज है तो सबसे पहले आप उसको यहाँ पर सेट करें। अगर आपके पास A4 पेज है तो आप A4 पेज सेलेक्ट करें, और अगर आपके पास लीगल पेज है तो आप लीगल पेज सेलेक्ट करें। प्रिंट एरिया के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, तो आप प्रिंट एरिया को बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। तो एक्सेल में जितनी भी तरीके से प्रिंट निकाले जा सकते थे, हमने सभी प्रिंट के ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक शीट है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके कुछ पेपर हुए हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फोटोशॉप के। और इस शीट में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के 8 मोस्ट यूज़फुल फॉर्मूले, जो कि हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं, जिसमें कि सम है, परसेंटेज है, सम इफ है, काउंट है, वी लुकअप है, एवरेज है, इफ है और काउंट इफ है। तो ये जो 8 फार्मूले हैं ये हम एक ही शीट में आपको लगाकर दिखाएंगे। सबसे पहला फार्मूला है सम का।
तो सम आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो सम का, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए तो ये ऑलरेडी आपके सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा जो भी आपके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होंगे। लेकिन ऑटो सम में भी आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टोटल वाला कॉलम है ये हमें इस में नहीं लेना है। यहाँ पर आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया सम करने का। अब दूसरा तरीका है, आप बराबर का निशान लगाइए, सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट लगाइए और सबसे पहले वाले सेल का नाम लिखिए। तो ये जो सेल है इसका नाम है B5, तो यहाँ पर B5 टाइप कर दीजिए, कॉलन लगाइए और जो लास्ट सेल है उसका नाम टाइप कर दीजिए, तो ये है F5, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये दो तरीके से सम हो गया। तीसरा तरीका है, आप मैनुअली भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इक्वल टू का निशान लगाइए और सेल को सेलेक्ट करते जाइए, प्लस दबाइए, फिर सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस दबाइए। यहाँ पर आप कोई भी सेल बीच से छोड़ सकते हैं। तो मानिए अगर हमको चौथा सेल यहाँ पर छोड़ देना है तो आप उसे छोड़ दीजिए, पांचवें सेलेक्ट कर लीजिए और छठवें को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो जो बीच वाला सेल था उसको छोड़ के बाकी सारे सेल्स का सम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सेल में प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल में से हमें जो टोटल नंबर मिले हैं सभी सब्जेक्ट्स में वो यहाँ पर आ गए हैं। तो अब इसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए जैसे हम कॉपी पर निकालते हैं वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान। अब जो अंक हमें प्राप्त हुए हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार बटन से हम लगाएंगे यहाँ पर गुणा का निशान। इसके बाद यहाँ से 100 से इसे गुणा करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्लिक और उसके बाद जो हमारा टोटल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है प्रतिशत निकालने का, आप जाएंगे नंबरिंग फॉर्मेट पर और ये जो सेल है इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने ये सेल प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया, आप देखेंगे ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ आ गया है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बराबर का निशान लगाना है, जो नंबर है हमारे उनको सेलेक्ट करना है, इसको भाग देना है यानी डिवाइड करना है 600 से, सिंपल इतना करना है, हमें 100 से गुणा नहीं करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर वाला सेल था वहाँ पे प्रतिशत का आइकन नहीं आया था, लेकिन इस सेल में चूँकि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था परसेंटेज में तो यहाँ पर प्रतिशत का आइकन आ गया है। अब इसको पकड़ के आप नीचे तक खींच दीजिए तो ये सभी एग्ज़ाम्स के जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद है सम इफ। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोहित जो नाम है वो दो जगह दिया गया है और अगर हम चाहते हैं कि इसमें जितनी भी जगह मोहित नाम दिया गया हो उनका सम केवल यहाँ पर आए, ना कि अकेले मोहित का, तो हम सिंपल लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज के लिए उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनमें नाम लिखे हुए हैं, कॉमा लगाएंगे। अभी पूछेगा हमसे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हम मोहित को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर डबल कोट में मोहित का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ही हमें दे रहा है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए आप किसी भी एक अगर पेपर को सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं या फिर टोटल नंबर्स को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोटोशॉप के नंबर निकालना चाहते हैं या इंटरनेट के नंबर निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो टोटल सम है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मोहित के जो अंक हैं टोटल दोनों मोहित के वो काउंट होके यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं और वहाँ पर आप डेली का सेल रजिस्टर तैयार करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी सेल हो गई, तो उसके लिए आप सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फार्मूला है वो है काउंट। काउंट फार्मूला क्या करता है, काउंट फार्मूला आपके सिलेक्शन एरिया में से जितने भी नंबर्स टाइप हुए हैं उनको काउंट करके आपको यहाँ पर दिखाता है। तो इसके लिए आप लगाएंगे बराबर निशान, टाइप करेंगे काउंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो सामने वाली सीरीज़ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमें आंसर मिला है वो है 6, लेकिन हमने जो सेल सेलेक्ट किए थे वो 7 किए थे। अब यहाँ पर 7 क्यों नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया है क्योंकि जो 7वां सेल है वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप किसी भी सेल्स में से अगर कोई नंबर हटा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो काउंट है वो 5 हो जाएगा। तो ये उन सेल्स को हमें बताता है केवल जिन सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर दोबारा कोई भी नंबर अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंटिंग जो है वो बदल जाएगी। इसके बाद फार्मूला आता है वी लुकअप का। तो वी लुकअप फार्मूला क्या करता है, ये वर्टिकली क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी वैल्यू को आपको फाइंड करके देता है। कैसे देता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर लगाते हैं बराबर का निशान, टाइप करते हैं वी लुकअप, तो यहाँ पर आप देखें वी लुकअप आ जाएगा, इसे डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आप क्या देंगे, आप यहाँ पर डबल कोट में कोई भी एक नाम टाइप कर देंगे, हम जैसे टाइप कर देते हैं राम और यहाँ दोबारा से डबल कोट लगा देंगे। अब यहाँ इसके बाद टेबल अरे का ऑप्शन है, तो टेबल अरे में भी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे
और इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब ये हमसे पूछेगा इंडेक्स कॉलम नंबर, तो हमें राम के इंटरनेट के अंक पता करने हैं और जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा आप पहले से काउंट करेंगे जहाँ से आपने इस टेबल को सेलेक्ट किया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने अभी डाल रखे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर लिख देंगे 5, लगाएंगे कॉमा और उसके बाद तो वहाँ पर हम टाइप कर देंगे 0 क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और ब्रैकेट को बंद करके इसे एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से राम ने इंटरनेट में 32 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो फार्मूला है ये असल में कोई विशेष क्राइटेरिया आपको किसी बहुत बड़ी टेबल में से सर्च करना है तो आप वीलुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जो राम है आपने जो डबल कोट में यहाँ पर लिया है आप इसे कहीं बाहर भी किसी दूसरे सेल का नाम दे सकते हैं और वहाँ से बार बार इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज फार्मूले की। अभी हमें अगर निकालना हो कि ये जो सभी विद्यार्थी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उन्होंने जितने भी पेपर्स दिए हैं उसका जो एवरेज है वो क्या है, या शुभम के जितने भी मार्क्स आए हैं सभी पेपर्स में उनका क्या एवरेज है, तो ये एवरेज आपको वहाँ से निकाल के देगा। बहुत सिंपल फार्मूला है लेकिन बहुत काम का है। आपको लगाना है बराबर के निशान, टाइप करना है एवरेज। तो जैसे ही आप ए वी ई टाइप करेंगे यहाँ पर एवरेज आपको दिखाई दे जाएगा, इसको डबल क्लिक कीजिए तो बस आपको वो सीरीज सेलेक्ट कर देनी है जिनका आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पर कुछ 5 सेल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और बस ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे जो शुभम के नंबर हैं उसका जो एवरेज है वो 39.6 है। बस इसको पकड़ के आप नीचे खींच दीजिए और सभी स्टूडेंट्स के जो एवरेज नंबर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फार्मूला इफ़। इफ़ फार्मूला क्या करता है, काफ़ी लोग मार्कशीट तैयार करते हैं और वहाँ पर वो परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड तय करते हैं या ग्रेड देते हैं नंबरों को। अगर यहाँ पर आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो इफ़ से आप ऑटोमेटिकली ग्रेड दे पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर फीड करने हैं, परसेंटेज भी निकलेगा, टोटल भी निकलेगा, एवरेज भी निकलेगा और आप ग्रेड भी ऑटोमेटिक दे पाएंगे। अभी कैसे आप दे पाएंगे ये अभी हम सीख लेते हैं, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ़। तो यहाँ पर हम जो सेल सेलेक्ट करेंगे ग्रेड देने के लिए वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे प्रतिशत वाला और उसी के हिसाब से हम ग्रेड देते जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो कुल ग्रेड हैं वो 4 देंगे, ए बी सी और डी। तो ये हम कैसे देते हैं ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस सेल को जिसमें प्रतिशत लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लगाते हैं ग्रेटर देन का निशान, यानी ये जो सेल है अगर बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 75 के। ये सभी के साथ अप्लाई होगा, एक जैसा ही फार्मूला सभी में जाना है। 75 के साथ में आपको प्रतिशत भी लिखना होगा क्योंकि हम 75 से ऊपर वाले सेल्स के लिए टाइप करेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा और डबल कोट में हम टाइप करेंगे ए। तो अगर ये सेल बड़ा होगा और बराबर होगा 75% के तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा ए। इसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ़, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दोबारा से हम फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी सेल के लिए दूसरी कंडीशन देनी है। दोबारा से हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वही हमने फार्मूला लगाया, बड़ा होगा और बराबर होगा कितने के, 60 के। यहाँ पर भी हम प्रतिशत लगाएंगे और क्या आएगा, बी। तो आप डबल कोट में बी टाइप करेंगे और उसके बाद फिर से कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम दोबारा से टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और इस बार हम यहाँ पर देंगे 45%। आप देखेंगे 45 हमने टाइप कर दिया है। अब लगाएंगे फिर से हम कॉमा और इसके बाद हम टाइप करेंगे डबल कोट में सी, कुछ इस तरीके से। फिर से हम एक कॉमा लगाएंगे और अब सिंपल हमें आगे कोई कंडीशन नहीं देनी है। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आती है, यानी अगर 45% से कहीं भी कम होता है तो क्या आएगा, सिंपल आपको टाइप कर देना है डबल कोट में डी। और जितनी बार आपने इफ़ का इस्तेमाल किया है, जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार आपको ब्रैकेट बंद करना है। हमने कुल 3 बार यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया था तो हम 3 बार ब्रैकेट बंद भी करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो ग्रेड आया है वो डी आया है क्योंकि जो प्रतिशत है वो 33 है। तो कितने से कम में 33% आना चाहिए था, 45 से कम पे। तो अब इसको हम पकड़ के नीचे तक खींच देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को अलग अलग ग्रेड अपने आप प्राप्त हो गए हैं। जिनके 45% से ऊपर हैं उनको सी मिला है, जिनके 45 से कम है उनको डी मिला है। अब थोड़ा सा घटा बढ़ा के देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर दे के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं रणवीर, उनका प्रतिशत हमने यहाँ पर 83% किया है तो उनका जो ग्रेड है वो अपने आप ए आया है। 47% वालों का सी आया है और जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा हैं उनका ग्रेड यहाँ पर बी आया है। तो इस तरीके से आप इफ़ का इस्तेमाल करके सभी को ऑटोमेटिक ग्रेड दे सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट इफ़ की।
तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशन देंगे ये उसको काउंट करके बताएगा। जैसे इस पूरी मार्कशीट में 70 नंबर कितने लोगों को मिले हैं, तो यहाँ पर आप बड़े आराम से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज दे देनी है, तो यहाँ पर हमने पूरी रेंज दे दी, कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया टाइप कर देना है। क्राइटेरिया को आप हमेशा डबल कोट में ही टाइप करें, डबल कोट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद करिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस पूरी रेंज में कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 नंबर मिले हैं किसी एक विषय में। अब आपको पता करना होगा इस पूरी रेंज में कितनी बार 100 नंबर आया है, तो आपको सिंपल यहाँ पर 70 की जगह 100 टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कुल 5 विषय ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स को 100 अंक मिले हैं। तो इस तरीके से आप काउंट इफ फार्मूले का भी इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। हम यहाँ पर नाम का भी पता कर सकते हैं, हमें अगर पता करना है कि मोहित नाम इस लिस्ट में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल आप बराबर का निशान लगाएंगे, टाइप करेंगे काउंट इफ और रेंज दे देंगे, तो रेंज आप पूरी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मोहित, इसको डबल कोट में बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कुल 2 जगह मोहित नाम लिखा हुआ है, अगर आप एक जगह और भी लिख देंगे तो ये उसको तुरंत ही सर्च कर लेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी 8 फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड और एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिवन में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा, और इसको अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन पर, और यहाँ पर जाना होगा आपको एक्सेल ऑप्शन में। यहाँ पर जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको शो डेवलप टैब इन द रिबन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर टिक लगा दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप जैसे इसे ओके करेंगे वैसे ही यहाँ रिबन में आपको डेवलपर टैब शो होने लग जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको विजुअल बेसिक और उसके बाद मैक्रोस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो ऑल्ट के साथ में F8 दबाकर भी मैक्रो को रन करा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस, इस पर भी आप टिक लगा लीजिए। इसका फ़ायदा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर एक शीट बनाई है और यहाँ पर कुछ हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उसका विषय लिखा है और जनवरी से लेकर जुलाई तक के इनके कुछ टेस्ट के अंक हैं वो हम यहाँ पर फीड करेंगे, और ये हम फीड करेंगे मैक्रो की सहायता से, एक पूरा परफॉर्मा जनरेट करेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर विषय लिखेंगे और उनका योग करेंगे, और ये जो स्टेप है ये हमें सभी 6 लोगों के साथ में बार बार करना है, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टूडेंट है उसके सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाले को, और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो के बटन को क्लिक करते हैं। जब आप ये रिकॉर्ड मैक्रो का बटन क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले मैक्रो बना रखे हैं तो ऑलरेडी वो 5वां नंबर यहाँ पर आपको दे देगा कि आप इसी नाम को कंटिन्यू चलने दें, तो आप इसे ओके कर दीजिए। अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वह यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। इसके बाद में आप मैक्रो के लिए शॉर्टकट की बना सकते हैं। शॉर्टकट की इसलिए कि जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको बार बार वहाँ से ओपन नहीं करना होगा, आप सीधे शॉर्टकट की को प्रेस करके मैक्रो को रन करा सकते हैं। शॉर्टकट की आपको ऐसी बनानी है जो पहले आपने किसी मैक्रो को न दी हो, या फिर वो आपके एक्सेल की कोई और भी शॉर्टकट की कमांड ना हो। कंट्रोल के साथ में हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं और एन का बटन और प्रेस कर लेते हैं, तो एक शॉर्टकट की बन गई ऑल्ट शिफ्ट प्लस एन। तो ये शॉर्टकट की हम जब भी दबाएंगे तो जो मैक्रो 5 है वो रन होने लग जाएगा। इसे ओके कर दीजिए, तो अब आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होने लग गया है। अब बस आपको करना ये है कि एरो की से आपको नीचे वाले सेल में आना है, और इसके बाद में आपको यहाँ से 5 रॉ इंसर्ट करानी है। तो इस तरीके से रॉ इंसर्ट करा दीजिए, इसके बाद में यहाँ पर विषय टाइप कर लीजिए। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर विषय भी टाइप कर लिए हैं और यहाँ पर नीचे इनका योग भी लिख दिया है। अब इन सभी जो विषय हैं उन सभी का हम योग कर लेते हैं ऑटोसम के द्वारा। यहाँ पर अब ऑटोसम भी लगा देते हैं, ये देखिए हमने ऑटोसम लगा दिया और इसे यहाँ से ड्रैग करके हमें पूरे सेल में खींच दिया इसको। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका भी एक फ़ायदा भी हम आपको और बताएंगे। तो ये हमने यहाँ से सारी सेटिंग ठीक कर ली है। अब यही सारी चीज़ें हमें इन सभी के साथ भी करनी है, तो इन सभी को भी हम कैसे करते हैं बता देते हैं। यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया, इसके बाद में आप डेवलपर टैब में दोबारा से जाइए और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। बस आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब आप इन सभी सेल्स के साथ में यही प्रक्रिया अगर दोहराना चाहते हैं, इसी तरीके से सेल इंसर्ट कराना चाहते हैं, योग लिखना चाहते हैं, विषय लिखना चाहते हैं और उन सभी को सम भी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहाँ आपने पहला सेल यहाँ पर सेलेक्ट किया था उसी तरीके से आप
स्पाइडरमैन वाले सेल के सामने भी चले जाइए या जो आपका दूसरा स्टूडेंट है उसके सामने चले जाइए, और मैक्रोज के ऑप्शन पर जाइए। हमने कौन सा मैक्रो बनाया था? मैक्रो 5 हमने इसके लिए बनाया था। इसको यहाँ से रन करा दीजिए। आप देखिए ये यहाँ पर सारे उसी तरीके से जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। इसी तरीके से तीसरे के सामने भी आप यही कर सकते हैं। ये देखिए ये भी हो गया। इसी तरीके से चौथे के लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये भी हो गया। पाँचवें के लिए भी आप यही कर सकते हैं। यहाँ ये भी हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार मैक्रोस न खोलना पड़े तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ पर शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में एन, तो आप वो भी यहाँ पर रन करा सकते हैं। इसी तरीके से आप बार बार मैक्रो को रन करा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी भी बार आप इस चीज़ को रन करा सकते हैं, ये बार बार उसी तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर आपके लिए उदाहरण के लिए एक टेबल मैंने और बनाई है। आप देखेंगे यहाँ पर वही स्टूडेंट हैं, उनके हमने विषय भी टाइप कर रखे हैं, उनके नंबर भी हमने यहाँ पर डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हर सेल के नीचे, हर विषय के नीचे उनका योग भी हमें लिखना था, जो कि हमसे छूट गया है। अगर हम इसे मैनुअली करेंगे तो हम सभी विषय के नीचे यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम इन सभी को एक एक करके सम कराएंगे। तो ये मैनुअल प्रक्रिया हमें एक बार करनी है और उसके बाद में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और मैक्रो की सहायता से सभी पर इसको अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड के ऑप्शन पर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला आप ये सेल सेलेक्ट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा आपको इसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। अगर आप इसे वो चीज़ नहीं बताएंगे तो ये आपके डेटा को उल्टा सीधा भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जो ये पहला स्टूडेंट है उसके लिए हमें सम करना है, तो रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से इसको एक नाम दे देते हैं सम। और इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर हम शिफ्ट का बटन और प्रेस कर लेते हैं और इसे दबा देते हैं एल के साथ में। इसे ओके कर देते हैं। अब आप एरो की से नीचे जाएंगे और हमें एक जो रॉ है वो यहाँ इंसर्ट करानी है, तो आप रॉ को यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे और जो ऊपर वाले अंक हैं उनके लिए यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन दबाएंगे। हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि अगर ऐसा हमें बार बार करना हो तो इसकी क्या कमांड है, तो आप मैक्रो लगा कर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैक्रो लग गया है। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। यहाँ से ये मैक्रो स्टॉप हो गया। अब सभी के लिए हमें यही करना है, तो आपको सिंपल इतना करना होगा, या तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग करें या फिर आप यहाँ से मैक्रोज की लिस्ट पर जाएं। तो ये सम वाला मैक्रो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार हम यहाँ से भी रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए इसके नीचे ये आ गया। अब एक बार हम शॉर्टकट की से और करा के देख लेते हैं। आप देखेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल हमने बताया था और एक एक करके आप सभी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए बस आपको एक सीरीज़ बनानी होगी और इसे बताना होगा कि आप किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। अब अगर आपके पास ऐसी ही कोई रॉ है और आप वहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिलीट करना है या कोई रॉ इंसर्ट कराना है तो आपको उसे सीरीज़ बताना होगा कि इस सीरीज़ में आपको चलना है और काम करना है। अब आता है नंबर यूज रिलेटिव रेफरेंस का। तो इसका अर्थ ये है अगर आप इसे नहीं दबाएंगे तो ये हर बार पहले ही सेल से उस मैक्रो को रन करेगा। इसको यहाँ से हटा के देख लेते हैं और एक बार कोई मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से हमने मैक्रो 7 रिकॉर्ड किया। तो यहाँ से आप देखिए हम यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट करा देते हैं और मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। अगली बार हम मैक्रो 7 को जब रन कराएंगे और हम चाहते हैं कि वो दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट के अंग्रेजी विषय के नीचे एक रॉ इंसर्ट करे तो वो इसको नहीं कर पाएगा। हम इसको एक बार रन करा के दिखा देते हैं आपको। हमने मैक्रो 7 यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, तो आप देखेंगे वो पहले सेल से ही उसे मान रहा है। वो दूसरे वाले जो ऑप्शन था, दूसरे वाले स्टूडेंट पर हम उसको ले जाना चाह रहे थे, वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो इसलिए आपको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन प्रेस करना होगा, अन्यथा वो पहले ही सेल से उसको लेगा। अगर A1 से शुरू कर रहा है तो A1 से ही उसको अप्लाई करेगा। अब आता है मैक्रो के लिए आप यहाँ पर बटन कैसे बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आपको जाना होगा ये जो टूल बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इस क्लिक कर दीजिए, कहीं भी इस बटन को क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ जैसे ही आप बटन क्रिएट करेंगे आपको सभी मैक्रोज़ की लिस्ट मिल जाएगी। तो हमें ये सम वाला मैक्रो जो है उसके लिए बटन बनाना है। आप इसे क्लिक करके ओके कर दीजिए, और अगली बार जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कर्सर यहाँ पर रख लीजिए। तो आप देखिए वो मैक्रो इस बटन को प्रेस करने से ही काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मैक्रो के लिए बटन भी बना सकते हैं।
डेटा एंट्री करते समय आपने देखा होगा कि जो आपका कर्सर है वो टैब जब आप बटन प्रेस करते हैं तो राइट साइड में जाता है और जब एंटर करते हैं तो नीचे आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एंटर करने के साथ में ये चाहते हैं कि उनका जो कर्सर है वो राइट साइड में जाए। तो इसको चेंज करने के लिए आपको सिंपल जाना है अपने ऑफिस बटन पर, एक्सेल ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडवांस टैब। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। तो आप यहाँ पर राइट साइड को अगर सेलेक्ट करेंगे तो अब जब भी आप एंटर करें प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो हमेशा राइट साइड में जाएगा। तो एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एंटर करने के बाद में उनका जो कर्सर है वो राइट साइड में ही जाए। अब लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है कि कर्सर राइट साइड में तो जाएगा लेकिन जब डेटा आप एंटर करते जाएंगे तो वो फिर आपको अगर वापस से नीचे लेके आना है तो वहाँ पर आपको माउस से क्लिक करनी होगी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यहाँ पर बहुत लोग ये चाहते हैं कि उनका जो डेटा है वो एंटर करते जाएँ और एक सिलेक्शन एरिया हो, एक एरिया ऐसा हो केवल वो उसी एरिया में डेटा को एंटर करें। तो ऐसा आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो सिलेक्शन एरिया है इसी में डेटा को एंटर करें तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में बस आपको डेटा फीड करते जाना है और आप वहाँ से आगे कहीं जाएंगे नहीं। आप एंटर का इस्तेमाल करते रहिए और डेटा फीड करते रहिए। देखिए हम किस तरीके से यहाँ पर एंटर का इस्तेमाल करने से मैं डेटा को फीड करता जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कहीं भी कोई टैब का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको करना ये है आपको उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिस सेल्स के बीच में आपको डेटा एंटर करना है और डेटा एंटर करने के लिए आप सिंपल पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए और डेटा फीड करते जाइए। ऐसा करने के लिए आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप केवल उस सेलेक्शन एरिया के बीच में ही अपने डेटा को एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक परफॉर्मा बनाया है, एक यहाँ पर रिजल्ट शीट है, आपका कैसा भी परफॉर्मा हो सकता है। और हम ये चाहते हैं कि जो हम डेटा एंटर करें और उसके बाद में जो अगर एंटर करें या टैब दबाएं तो जो हमारा सिलेक्शन है वो अपने अगले सेल में अपने आप जंप करके चला जाए। जैसे अगर हम नाम एंटर करें और एंटर करें तो उसके बाद में पिता के नाम पर चला जाए और उसके बाद में उम्र पर आए, उसके बाद पते पर आए, फिर ऑटोमेटिकली वो गणित पर जाए, अंग्रेजी पर जाए, हिंदी पर जाए। तो ये कैसे होगा? ये करने के लिए आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाना है और एक एक करके उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिनमें आप अपने कर्सर को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक एक करके सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है ऊपर से और लास्ट में आपको जाना है नाम वाले सेल पर जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने नाम से ही शुरू किया था और नाम पर ही मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको जाना है नेम बॉक्स में और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कोई भी नाम। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नेम और इसको एंटर कर देता हूँ। अब तो ये क्या होगा, ये जो सिलेक्शन है ये नेम के नाम से यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगली बार आप कहीं भी क्लिक कीजिए तो देखिए पहले मैं आपको नॉर्मली डेटा एंटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने नॉर्मली डेटा एंटर किया और अभी यहाँ पर हम टैब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको इस जो अभी हमने सिलेक्शन किया था उसमें डेटा एंटर करके दिखाते हैं। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं नेम को और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने टाइप किया नाम, फिर हमने एंटर किया और ये जो एंटर है ये आपको नंबर कीपैड वाला इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने टाइप किया पिता का नाम, इसके बाद एंटर, उम्र, उसके बाद पता लिख दीजिए, यहाँ पर फिर गणित के नंबर, अंग्रेजी के नंबर, हिंदी के, इतिहास, ये देखिए। तो ये जो डेटा एंटर होगा ये केवल उन्हीं सेल्स में होगा जिनमें आप चाहें। तो ये जो डेटा एंट्री करने के तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। तो इन तरीकों से आप बड़ी तेज़ी से अपने किसी भी शीट में आराम से डेटा एंटर कर पाएंगे। दोस्तों ये है एमएस वर्ड का फर्स्ट इम्प्रेशन, इसे आप लेआउट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, जो लोग नए हैं उनको कुछ सारी चीज़ें नई दिखेंगी, जो पुराने हैं उनको तो वैसा ही दिखेगा, कुछ अंतर नहीं दिखेगा। नए लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि यहां पर ये जो बीच में आपको वाइट एरिया दिख रहा है ये असल में पेज होता है और एमएस वर्ड में हम जितना भी काम करते हैं वो सब पेज के ऊपर ही करते हैं। असल में हम जो प्रिंटर से पेज निकालते हैं, मार्केट से जो पेज लेके आते हैं, उसी पेज के लिए यहाँ पर हम मैटर तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं और सब कुछ उसी पेज के लिए करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर ये है कि आप के पास आपके पेज का साइज होना चाहिए एमएस वर्ड में काम करने से पहले। आप A4 पे काम कर रहे हैं या लीगल पे काम कर रहे हैं, हम इसको बाद में भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ये तय करके चलेंगे कि मेरे पास पेज कौन सा है तो आप और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अब पेज पता करने के लिए आपको लेआउट में जाना है और यहाँ पर आपको पेज का साइज मिल जाएगा। तो आप जो भी पेज इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से आप सबसे पहले ये पेज सेलेक्ट कर लीजिए।
बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बताएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये ही नहीं पता कि आप कौन सा पेज इस्तेमाल करते हैं, तो जो बाकी सारी टाइपिंग आपने करी है, बहुत इधर से उधर से आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग करी, जस्टिफाई भी कर लिया, पेज को पूरा सेट कर लिया, और जब बाद में आपने प्रिंट निकाला तो प्रिंट कट गया या ठीक नहीं आया, वो उसी वजह से होता है कि आप पेज साइज़ पर गौर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज साइज़ सेट करिए। अब चलते हैं हम इसके लेआउट पर। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पेज है, इधर उधर ये जो नीला हिस्सा है आप इस पर टाइप नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इसका स्क्रॉल है, जिससे आप पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं आपने जो भी मैटर टाइप किया हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोनों साइड में रूलर यानी पैमाना, और ये आपके पेज के साइज़ को बताता है कि आपका पेज कितना लंबा चौड़ा है। और इस पैमाने पर भी आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक तो यहाँ पर ये हल्का नीला सा, ये क्योंकि ब्लू हमने थीम कलर ले रखा है तो यहाँ पर अभी नीला दिख रहा है, अभी और कोई कलर लेंगे तो ये कुछ और कलर का दिखेगा, लेकिन फिलहाल बात ये है कि यहाँ पर ये जो कलर है यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं, और ये जो पैमाने का वाइट एरिया है ये आपका टाइपिंग एरिया है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जिस तरह से ये साइड से छूटा हुआ है लेफ्ट और राइट से, उसी तरह से ये ऊपर और नीचे भी छूटा हुआ है पेज के, और इसको एमएस वर्ड की भाषा में पेज मार्जिन कहते हैं। और पेज मार्जिन जितना जितना आप छोड़ देंगे ऊपर और नीचे से या दाएं बाएं से, उतने एरिया में आप टाइप नहीं कर पाएंगे, बाकी सारा एरिया आपके टाइपिंग के लिए फ्री है। आप कितना भी कुछ भी अगर टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है। आमतौर पे पेज मार्जिन छोड़ते हैं हम लोग फाइल में पेज लगाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आपको इसे खिसकाना है, और जैसे आप इसे खिसकाएंगे देखिए यहाँ पर आपको पैमाना दिख रहा होगा, ये उल्टा चलता है और उधर की साइड में जो वाइट कलर वाला है वो सीधा चलता है। तो यहाँ पर हम लगभग जब भी सरकारी काम कुछ करते हैं तो यहाँ पर हम 1.5 के लगभग मार्जिन को छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम 0.5 मार्जिन को छोड़ते हैं। ये दोनों मार्जिन आप माउस से खिसका सकते हैं, इसी तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला मार्जिन अगर आपको सेट करना हो तो भी आप इसके बीच में माउस ले जाइए और यहाँ से आप इसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। तो ये तो हो गया पेज का जो बेसिक सेटअप है वो। अब इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं जो होम मेन्यू है, होम मेन्यू में आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट बदलना फॉन्ट साइज को चेंज करना, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी। थोड़ी सी एडवांस में इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक फार्मूला होता है उसको पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है RAND, और यहाँ पे हम इसको कॉमा लगा के बंद करेंगे, एंटर कराएंगे, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारे पास जो रेंडमली है वो आके दिख जाएगा। ये एक बहुत सीक्रेट ट्रिक होती है MS वर्ड की, हिडन ट्रिक आप इसको बोलेंगे तो भी है, ये समझाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो असल में रेंड करता क्या है, रेंड करता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से लगा के, कि यहाँ पर हमें दो पैराग्राफ चाहिए जिसमें कि दो सेंटेंस हों या तीन सेंटेंस हों, तो उसकी संख्या हम पीछे लिख देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास दो लाइन वाले दो पैराग्राफ या दो सेंटेंस वाले दो पैराग्राफ आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी जो आपको जो दिख रहा है फॉन्ट का जो पूरा एरिया है, असल में ये जब आप इसमें से कुछ भी चेंज इसमें करेंगे किसी भी फॉन्ट में, तो वो उस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कहलाएगा। यानी हमने यहाँ से इसका अगर साइज़ चेंज कर दिया, देखिए इस तरह से, तो हमने इसकी फॉर्मेटिंग में बदलाव किया है। अगर हमने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है तो भी हमने इसकी फॉन्ट में बदलाव किया है, और अगर हमने इसका कलर चेंज किया है तो भी हमने इसके फॉन्ट में या फॉर्मेटिंग में बदलाव किया है। अब यही सारी चीज़ें आपको किसी और टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल करनी है, तो जो मैंने ऑन में इस्तेमाल किया है वही मुझे इस टैब में या इंसर्ट में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन दिया गया होता है फॉर्मेट प्रिंटर, तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना है, और दोबारा से जिस भी फॉन्ट को इसके जैसा बनाना हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे सेम इसके जैसा बन गया, जबकि हमें यही नहीं पता था कि इसमें हमने कौन कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया था, कौन सा कलर इस्तेमाल किया था। तो ये यहाँ पर ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। बाकी सारी चीज़ें मोस्टली सभी लोगों को पता होती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है बहुत प्यारा सा, कि अगर आपको ये फॉर्मेटिंग दोबारा से डिफ़ॉल्ट करनी है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप प्रेस कर दीजिए, तो इससे होगा क्या कि जो आपकी सारी फॉर्मेटिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी, यानी आपने जो कुछ भी लगाया होगा वो हट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बुलेट्स और नंबर्स दिए गए हैं, ये अपने आप में विशेष होते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट तैयार करनी है तो आप सिंपल इसको एंटर कीजिए, यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए बस एक बार, और यहाँ पर आपको उसको लिखते जाना है। जैसे अभी मैं हिंदी में लिखता जा रहा हूँ, हिंदी के लिए मैं यहाँ पे यूनिकोड फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुर्तिदेव देवलेस कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर, उसके बाद एंटर किया, उसके बाद लिखा प्रिंटर,
तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैं एंटर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये एक लिस्ट को तैयार करता जाता है। अब यहाँ पे हमने बुलेट लिस्ट तैयार करी है, आप चाहें तो नंबर भी ले सकते हैं, तो बस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ये आपको नंबरिंग लिस्ट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो बुलेट लिस्ट थी उसके आगे के नंबर आ गए। अब अगर आपको इसकी भी एक सब लिस्ट बनानी है जैसे प्रिंटर की, तो बस आप प्रिंटर के नीचे एक एंटर करिए और अपने कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे एक प्रिंटर की भी सब लिस्ट आ जाएगी जिसमें मुझे लिखना है कलर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इस तरह से सिंपल टैब दबाकर आप किसी के भी नीचे सब लिस्ट बना सकते हैं, और सब लिस्ट से अगर बाहर निकलना हो तो आपको डबल एंटर करना है, आप बाहर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एमएस वर्ड का एक ब्लैंक पेज है, और अगर हमें यहाँ पर टेबल बनानी है तो हमें जाना होगा इंसर्ट पर। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, ये आप माउस से टेबल बना सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रैकेट्स दिखाई देंगे, तो जितने बॉक्सेस आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपके कॉलम बन जाएंगे और जितने बॉक्सेस आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपकी रॉज बन जाएंगी। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ टेबल बनाने का, जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड में जाइए, वहाँ आपको प्लस और माइनस के बटन दिखाई देंगे। प्लस बटन का मतलब है आपके बीच का ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक है, यानी आपका एक कॉलम है, और माइनस का मतलब है आप कितना चौड़ा एक कॉलम बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस बनाया, तो उसका मतलब यहाँ पर होगा एक ये जो बॉक्स है, एक ये जो कॉलम है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जितने भी कॉलम बनाने हैं वो उतने माइनस के निशान और उतने प्लस के निशान यहाँ पर जोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से ये देखिए, और बस अपने कीबोर्ड से इसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब टेबल में हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं, और कौन कौन सी यहाँ पर शॉर्टकट की होती हैं। तो आप जान लेते हैं कि टेबल में काम कैसे किया जाता है। काम करने का बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर कुछ टाइप कीजिए, फिर टैब दबाइए, कुछ टाइप कीजिए, ऐसे आप टाइप भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेबल में पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि जो दूसरा कॉलम है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और टैब दबाइए, तो इससे क्या होगा आप टेबल में पीछे जा पाएंगे और काम कर पाएंगे। मानिए हमने यहाँ पर 25 की जगह 26 करना है, आप फिर टैब से आगे जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे जाना होगा तो सिंपल आपको दबाना है शिफ्ट के साथ में टैब की को। तो ये तो हो गया एक फीचर। तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ डेटा फीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ डेटा फीड कर लिया, मान लीजिए आपको 2 और 3 के बीच में एक आपको रॉ और यहाँ पर एंटर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है, आप जाएंगे दूसरे सेल के सबसे लास्ट में यानी बाहर की तरफ और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इससे होगा क्या कि कॉलम 2 और 3 के बीच में एक रॉ एंटर हो जाएगी, यानी ये रॉ उस कॉलम के बाद में एंटर हुई है जिसके पीछे आप कर्सर लेकर गए थे और वहाँ पर आपने एंटर का बटन प्रेस किया था। अगर 3 के बाद एक आप रॉ एंटर करना चाहते हैं तो टेबल के बाहर जाकर आप कर्सर को रखिए और सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए, तो इससे होगा क्या कि आपकी रो के बाद में एक नई रो यहां पर एंटर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस टेबल में से 2 टेबल बनाना, यानी आप तीसरे वाले पॉइंट से एक नई टेबल बनाना चाहते हैं, तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए। अब आपको सिंपल अपना डाउन एरो प्रेस करना है और आप देखेंगे ये जो टेबल है ये आपकी ऊपर वाली टेबल से अलग हो जाएगी। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी ट्रिक है आपके टेबल में काम करने का। अगर दोबारा आप इस टेबल को ऊपर वाली टेबल से जोड़ना चाहते हैं तो बस ऑल्ट के साथ में शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और अप एरो की को प्रेस कर दीजिए। तो ये भी बहुत सरल तरीका है टेबल को जोड़ने का। अब यहाँ पर एक ट्रिक में भी और आपको बताना चाहता हूँ, अगर 3 नंबर वाली रॉ को आप 1 नंबर वाली रॉ के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है, आप पूरी जो रॉ है उसको सिलेक्ट कीजिए और यही शिफ्ट के साथ में ऑल्ट की आपको प्रेस करनी है, अप एरो की प्रेस करनी है, और आप देखेंगे जो 3 नंबर वाला जो कॉलम है वो आपके 1 नंबर वाले कॉलम के ऊपर आ जाएगा। अब बता देता हूँ आपको टेबल में मर्ज करने का तरीका। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल का एक सेल बनाना है, यानी उनको मर्ज करना है, तो आपको सिंपल उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना होगा और ऑल्ट के साथ में ए और उसके बाद एम को प्रेस करना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सेल मर्ज हो जाएंगे। कहीं भी आप कोई भी सेल मर्ज करना हो आपको, आप देखिए यहाँ पर जैसे ये 2 सेल मर्ज करने हैं तो पहले ऑल्ट दबाइए, फिर ए दबाइए, फिर एम दबाइए, तो ये जो सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को मर्ज करने के लिए। तो इसके बाद एक तरीका मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ उस टेबल को स्प्लिट करने का। आपको सिर्फ दबाना है शिफ्ट कंट्रोल और एंटर, तो आपकी जो टेबल है वो 2 टुकड़ों में इंस्टेंटली बट जाएगी, यानी कट जाएगी।
अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने इसे गलत काट दिया, दूसरा वाला जो रॉ था यानी ये वाला जो रॉ था वो ऊपर वाली टेबल में शामिल होना चाहिए था, तो आप सिंपल इस रॉ में माउस का कर्सर ले जाइए, शिफ्ट के साथ ऑल्ट की को प्रेस कीजिए और कीबोर्ड पर जो अप एरो की होती है उसको प्रेस कीजिए। आप देखेंगे जो एक रॉ है वो नीचे वाली टेबल से उठकर ऊपर वाली रॉ में ज्वाइन हो जाएगी। तो किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करना यहाँ पे बहुत आसान है। किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल उसको सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से जो एरो की है वो वहाँ पर आ जाएगी छोटी होकर। बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रॉ को भी सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको डिलीट सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आएगा डिलीट सेल का ऑप्शन और डिलीट एंटायर रॉ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे ओके कर देंगे तो ये जो रॉ है ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो आप देखेंगे ये पूरी जो टेबल है वो आपके पेज से छोटी हो गई है। इस टेबल को कैसे आप पेज पर फिट करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिए। ये असल में मूव आइकन है, इसकी सहायता से आप टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। मानिए मुझे टेबल यहाँ पे रखनी है या इसके बाद मुझे नीचे ले जानी है, लेकिन इसी आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑटो फिट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। तो इस समय आप फिक्स कॉलम विड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑटो फिट टू विंडो का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी टेबल है वो आपकी पूरी विंडो के हिसाब से यानी आपके पेज के हिसाब से फिट हो जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो टेबल में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके हिसाब से कॉलम को सेट कर देगी। तो इसको करके देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा। यानी आपने यहाँ पर तीन नंबर लिखे हैं तो तीन नंबर्स के हिसाब से सेट हो जाएगा, कहीं अगर पांच नंबर हैं तो पांच नंबर के हिसाब से ये टेबल की विड्थ है वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो सभी कॉलम आपके जो पेज है उसके हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बहुत लंबा शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय बिग गाइड, लेकिन ये जो कॉलम है उसके हिसाब से बहुत छोटा है, तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हम इसका टेक्स्ट डायरेक्शन बदल देते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको इस स्टाइल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आपको तीन तरीके के ओरिएंटेशन दिखाई देंगे, तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यानी दूसरा टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देंगे। तो आप जैसे भी चाहें टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है, टेक्स्ट आपको ज़्यादा लिखने होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटे से पेज पर हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर के जो सारे ऑप्शन हैं वो उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे नीचे वाला आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है। इसको अगर आप सीधा कर देंगे, सीधा करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये जो टेक्स्ट है वो सीधा भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेल को स्प्लिट करने की या काटने की। अभी हमने सेल को मर्ज किया था, लेकिन अगर सेल को आपको किसी टुकड़ों में काटना है तो आपको सेल में राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ रॉ आप एक ही सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आप जितने भी कॉलम में उसे काटना चाहते हैं वहाँ ऊपर कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ से ओके कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपका सेल है वो उतने ही टुकड़ों में कट जाएगा। अभी हमने चार में काटा है, अगर आप चाहते हैं कि ये पाँच में कटे तो ये पाँच में भी कटेगा। तो दोबारा से हम इसको करके देख लेते हैं, स्प्लिट सेल्स में हम जाते हैं और यहाँ से इसको पाँच पे सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये पाँच बराबर टुकड़ों में कट जाएगा। दोस्तों मैक्रो का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एमएस वर्ड में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा। तो डेवलपर टैब को अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने ऑफिस बटन पर और यहाँ पर आपको जाना होगा वर्ड ऑप्शन पर। पॉपुलर टैब में आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो डेवलपर टैब इन द रिविन, इस पर टिक लगा दीजिए और इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे यहाँ से ओके करेंगे आपको अपने रिविन में डेवलपर टैब दिखाई देने लग जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा विजुअल बेसिक का और उसके बाद आपको दिखाई देगा मैक्रो। अब मैक्रो होता क्या है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल में मैक्रो आपके किए गए स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्डिंग के आधार पर जब आप उसे दोबारा से रन कराते हैं तो उन्हीं स्टेपों को दोबारा फॉलो कर लेता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैक्रो का फ़ायदा क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लिस्ट बनी हुई है और हमें इस लिस्ट के हर नाम के पीछे एक डैश लगाना है कुछ इस तरीके से और एक एंटर करना है और एंटर के बाद में भी हमें यहाँ पर कुछ डैश लगाने हैं और ये हमें जो प्रक्रिया है वो हर नाम के साथ में करनी है। तो अगर आप मैक्रो नहीं लगाएंगे तो ये कुछ टिपिकल हो सकती है या फिर हमें हर नाम को
मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना है कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हर नाम को अगर आप ब्रैकेट में बंद करेंगे तो भी अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये काम हम मैक्रो की सहायता से कैसे कर पाते हैं। तो इन ब्रैकेट और डैश को हटा देते हैं हम। मैक्रो बनाने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि आपको मैक्रो को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना होगा, और ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जिसको वो लूप में चला सके, यानी जहाँ से शुरू हो वहीं पर ख़त्म होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप ये जो शब्द है राम, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं और इसी पॉइंट पर आकर अगली बार ये एंडिंग पॉइंट बनेगा। तो देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर हम रिकॉर्ड मैक्रो पर जाते हैं। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैक्रो नेम देना होगा। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं या इस नाम को भी हम मान लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कीबोर्ड। तो आप एक मैक्रो बनाने के बाद उसको कीबोर्ड से रन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की दे देंगे, कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो शॉर्टकट की पहले से विंडोज़ के साथ या एमएस वर्ड के साथ काम ना करती हो। तो हम यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल एम एक शॉर्टकट की बना देते हैं और इसको यहाँ पर ऐड करा लेते हैं। इसे क्लोज़ कर देते हैं और अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर एक पुराने ज़माने की कैसेट जैसा एक निशान आ गया है। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले दबाएंगे एंड का बटन। तो जो हमारा कर्सर है वो उस पहले टाइप किए हुए नाम के पीछे आ गया है। इसके बाद एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद में हम यहाँ पर डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद हम एक एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम यहाँ पर कुछ डैश और लगाएंगे। इसके बाद हम इसे एरो की से नीचे लेके आएंगे और पहले नाम के आगे इसको छोड़ देंगे, जैसे कि वो पुरानी स्थिति में था ऊपर वाले नाम के आगे। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे और ये मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो गया। यानी आपने देखा कि हमने यहाँ नाम के पहले से शुरू किया था और लास्ट में आके उसको नाम के पहले ही छोड़ दिया है। ये एक लूप बन जाएगा, अगली बार जब आप मैक्रो को रन करेंगे तो ये इसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब मैक्रो को रन कैसे कराते हैं? तो रन कराने के लिए आप या तो वही शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो कर्सर है वो आपके नाम के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एम हमने बनाया था। तो आप देखेंगे, ये देखिए जल्दी जल्दी सभी नामों के आगे मैक्रो रन करने लग गया है, क्योंकि हमने उसको इसी तरीके की एक शॉर्टकट की दी थी और जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हमने इसको ख़त्म किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही मैक्रो बना सकते हैं, आप अलग अलग शॉर्टकट की के साथ में अलग अलग मैक्रो भी बना सकते हैं। तो हम एक मैक्रो और बना के देखते हैं। हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर देखेंगे क्या सभी नामों के आगे ब्रैकेट लग जाएगा। तो ठीक है, एक मैक्रो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्रो 3 अपने आप आ गया है, मैक्रो 2 आपका पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मैक्रो 3 को हम एक शॉर्टकट की और दे देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एन। यहाँ पर इसको साइन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा कर्सर है वो नाम के पहले है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद एंड की प्रेस करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एरो की से कर्सर को नीचे लेके आएंगे, नाम के पहले ले जाएंगे। ये हो गया सिंपल मैक्रो, हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसको यहीं पर छोड़ देंगे और मैक्रो को स्टॉप करेंगे। आप देखिए मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। जहाँ से हमने शुरू किया था वो आपको ध्यान रखना है कि हमने नाम के पहले शुरू किया था और हमने नाम के पहले पर ही इसको एंड किया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, ये सिस्टम समझ नहीं पाएगा कि हमें लूप कहाँ बनाना है। अब इसके बाद आपको सिंपल रन कराना है शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ में। आप देखिए सभी नामों के आगे जो ब्रैकेट है वो एक सेकंड से भी कम समय में लग गया। अगर आप मैनुअली इस काम को करते तो आपको काफ़ी समय लग जाता। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एमएस वर्ड की किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने की। एमएस वर्ड की फाइल को आप ओपन कर लीजिए, ऑफिस बटन पर जाइए, सेव एज के ऑप्शन पर जाइए, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ और एक्सपीएस का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये ऐड इन आपके एमएस वर्ड में अनेबल नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटा सा प्लगइन है और इसकी सहायता से आप किसी भी एमएस वर्ड और एक्सेल की फाइल को बड़े आराम से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो विंडो है ये बिल्कुल उसी तरीके से खुलेगी जैसे किसी भी फाइल को आप एमएस वर्ड में सेव करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आप अगर ऑल पे क्लिक करते हैं तो जो आपके सभी पेज हैं वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर अगर आप करंट पेज को जो आपने सेलेक्ट कर रखा है जिस पर आपका माउस का कर्सर है उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई पेज रेंज भी यहाँ से दे सकते हैं। बस इतना करना है, यहाँ से ओके करना है और इसे पब्लिश कर देना है, तो आपकी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप एमएस वर्ड से
प्रिंट देना चाहते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेज सेटअप होता क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप एमएस वर्ड में कोई पेज तैयार करते हैं या कोई फाइल बनाते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले ये ब्लैंक पेज लेते हैं और वही पेज आप प्रिंट आउट करते समय अपने प्रिंटर में लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो आप पेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो साइज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, वही साइज़ का पेज आप अपने प्रिंटर में लगाएँ, ताकि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एमएस वर्ड में, वही आपके पेज पर प्रिंट हो। अक्सर होता ये है कि हम बाज़ार से A4 साइज़ का पेज खरीद के लाते हैं, A4 साइज़ की रिम खरीद के लाते हैं, और MS वर्ड में भी जब हम यहाँ पेज लेआउट पर जाते हैं और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करते हैं A4, तो उसमें फिर भी कुछ गड़बड़ी रह जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ार में मिलने वाले A4 साइज़ और MS वर्ड में जो ये A4 साइज़ दिया गया है, दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। ये जो साइज़ है ये US A4 साइज़ है, लेकिन जो इंडियन A4 साइज़ होता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर आप एग्जैक्टली उस पर प्रिंट करना चाहेंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ख़ास तौर पर जब आप इस पेज पे बॉर्डर लगाते हैं, तो वो अक्सर करके कट जाता है। तो इसके लिए बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है कि आप अपने जो आपका पेपर है आप उसे नाप लीजिए और यहाँ पर आप मोर पेपर साइज़ पर चले जाइए और यहाँ पर आप कस्टम इसको साइज़ दे दीजिए। आप पैमाने से उसको नापेंगे और अब देखिए यहाँ से हम इसको 29 की जगह 28 कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो ये जो हमारा पेज है ये 28 सेंटीमीटर का हो चुका है। जो भी आपका पेपर बाज़ार में मिलने वाला होगा उसके साइज़ का इसको कर लीजिए। ये सबसे पहली चीज़ है पेज सेटअप के दौरान एमएस वर्ड में और आपके पास जो पेज है उसको एक जैसा कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है एक ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू का। जो आपने पेज टाइप किया है आप सबसे पहले उसका प्रीव्यू देखिए, क्या वो पूरे पेज पर आ रहा है या नहीं। अगर वो पूरे पेज पे आ रहा है या अगले पेज पे जा रहा है तो उसे छोटा बड़ा कर लीजिए, यहाँ प्रीव्यू में आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उसका मार्जिन सेट करना। मार्जिन क्या होता है, ये जो आपको साइड में सफ़ेद जगह जो दिखाई दे रही है उसे हम मार्जिन कहते हैं, यानी ये वो जगह है जिसको प्रिंटर और आपका एमएस वर्ड दोनों जो है टाइपिंग एरिया से छोड़ देते हैं, यानी कि इस जगह पर ना तो प्रिंट होगा ना आप टाइप कर पाएंगे। इसको आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। मार्जिन आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं, एक मैनुअल आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप माउस की कर्सर ले जाएंगे रूलर बार पे और राइट मार्जिन को जैसे ही आप खींचेंगे यहाँ पर दोनों साइड एरो आ जाएगा, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैनुअली मार्जिन सेट कर सकते हैं दोनों साइड से। ये देखिए, ये उधर से हमने राइट किया और उधर से हमने लेफ़्ट मार्जिन सेट किया। इसके बाद में आप टॉप मार्जिन को भी इसी तरीके से मैनुअली सेट कर सकते हैं और बॉटम मार्जिन को भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। एक पेज पर मार्जिन सेट करने से आपके फाइल में जितने भी 50 या 100 पेज होंगे उन सभी पर एक साथ ये मार्जिन सेट हो जाएगा, तो आपको अलग अलग पेजेस पे ये मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऑटोमेटिक सेट करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट के, यहाँ पर नॉर्मल है, तो आप किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैनुअली आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में आता है ओरिएंटेशन। यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पोर्ट्रेट दिया गया है, एक लैंडस्केप दिया गया है। पोर्ट्रेट ये जो पेज सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं और लैंडस्केप इस तरीके से जो आड़ा पेज होता है उसको कहते हैं। अब आपको प्रिंटर में आड़ा पेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंटर में जो है सीधा ही पेज लगाएं, उस पर जब आप वो पेज एंटर करेंगे तो उस पर इस हिसाब से प्रिंट आउट होगा, आप उसको बाद में निकाल के सीधा कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर में आड़ा पेज लग ही नहीं सकता। तो आप ये ना सोचें कि मुझे प्रिंटर में भी आड़ा ही पेज लगाना पड़ेगा या उसमें इस तरीके का पेज नहीं आएगा, तो आप प्रिंटर में जैसे आपके पेज लगे हों उसी तरीके से लगाइए, ये आपके राइट साइड पे इस तरीके से टेढ़ा करके इसको प्रिंट कर देगा। तो आगे हम आपको लिफाफे पे प्रिंट करना भी बताएंगे, उसमें हम इन चीज़ों के बारे में आपको और बारीकी से बताएंगे। इसके बाद आता है साइज़। तो साइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास जैसा भी पेपर अवेलेबल हो, A4 हो, लेटर साइज़ हो, लीगल साइज़ हो, A5 साइज़ हो, A6 साइज़ हो, आप उस जिस साइज़ का पेपर अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं उसी साइज़ का जो पेपर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और ऑप्शन आता है इसके बाद प्रिंट का। आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ दिखाई देगा प्रिंटर का नाम। अब आपके पास 4 या 5 प्रिंटर हैं, हमारे यहाँ पर यहाँ नेटवर्क प्रिंटर भी जुड़े हुए हैं कुछ, और ये जो प्रिंटर है वो हमारे सिस्टम से लगा हुआ है, जो डायरेक्ट लगा हुआ है वो कॉनिका मंटेला ये प्रिंटर है। अब इस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ हो या आपके नेटवर्क पे जिस पे भी आप प्रिंट देना चाहें।
उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज रेंज का। तो आपकी फाइल में अगर आपने 100 पेज बना रखे हैं और आप सभी का प्रिंट एक साथ में देना चाहते हैं तो आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी खास पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पेज को केवल ये जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे करंट पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का, ये अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वो सिलेक्शन डिस्प्ले तब होगा जब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस पैराग्राफ का प्रिंट निकालें, तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें या लाइन को सिलेक्ट कर लें। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जब इस सिलेक्शन पर टिक लगाएंगे तब प्रिंटआउट में केवल ये पैराग्राफ ही प्रिंट निकलेगगा, और भी और कोई चीज़ आपकी प्रिंटआउट नहीं निकलेगी। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज का। पेज के ऑप्शन में आप एक रेंज दे सकते हैं, जैसे आपको पेज नंबर 1, 3, 5, 7 इस तरीके से निकालने हैं, तो आप यहाँ पर इसको कॉमा लगा लगा के लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजों को छांट छांट के यहाँ पर प्रिंट दे सकते हैं। या फिर आप कोई बीच से कोई सेट लेना है आपको, या 10 से लेकर आपको 15 तक के पेजों का प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए आप डैश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिंपल आप 10-15 लिखेंगे तो पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 15 तक यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये तरीका है पेज रेंज को सेलेक्ट करने का। इसके बाद नंबर आता है यहाँ पर कॉपीज़ का। जो आप पेज रेंज दे रहे हैं उसकी आपको कितनी कितनी कॉपियाँ निकालनी हैं वो यहाँ से आप भर सकते हैं। अब ये कॉपी आपको सेट में निकालनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि पहले ये जो 10 से लेके 15 की कॉपियाँ हैं तो पहले 10 से 15 का एक सेट निकले, फिर 10 से 15 का एक सेट निकले, या फिर आप पहले निकालना चाहते हैं 10 नंबर पेज की दो दो कॉपी तो स्पेसिटिक हटा दीजिए, उसके बाद निकलेंगी दूसरे 11 नंबर पेज की दो दो कॉपी, 12 नंबर वाले पेज की दो दो कॉपी, तो यहाँ पर आपको टिक हटा देनी है। अगर आप टिक लगा देंगे तो यहाँ पर सेट बन के अपने आप निकलने लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दे रखा है प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का, आप इसको भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हर प्रिंटर की आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, आपके कंप्यूटर में शायद आपके प्रिंटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ पर इसकी कुछ अलग दे रखी हैं। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट पेज भी सेट कर सकते हो, ये बेसिक कमांड है। यहाँ पर आप सीधे जब प्रिंट करेंगे तो वो आपका प्रिंटर उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रिंट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही A4 साइज़ का पेपर लेना है, प्रिंटर को बताना है कि हम जो पेपर लगा रहे हैं वो A4 साइज़ का है। उसके बाद कॉपीज़ की संख्या भरनी है आपको, कितनी डिफ़ॉल्ट कॉपी निकाले वो एक बार में जब आप प्रिंट दें। यहाँ पर आपको प्लेन पेपर बताना है, उसको आप फोटो पेपर लगा रहे हैं, प्लेन पेपर लगा रहे हैं, थिन लगा रहे हैं, किस तरीके का पेपर लगा रहे हैं। तो या फिर अगर आप इसमें ज़्यादा टेक्निकली उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो इसको आप डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए, ये डिफ़ॉल्ट वो कंडीशन हो जाएगी जो आपके पास कंपनी से प्रिंटर नई कंडीशन में आया होगा। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख लें कि पेपर साइज़ वही रहे जो आप अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ से प्रिंट देना है और आपके प्रिंटर को कमांड चली जाएगी और वो प्रिंट आउट निकाल देगा। दोस्तों यहाँ हमारे पास एमएस वर्ड में एक फाइल बनी हुई है जिसमें हमने नीचे कुछ राज्य और उनकी राजधानियों की एक लिस्ट बनाई है, और ऊपर हमने नीति आयोग के बारे में कुछ दो पैराग्राफ लिखे हैं जिनको हमने सेम कॉपी किया है। अब आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो या किसी शब्द को सेलेक्ट करना हो तो आप माउस से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करते हैं, या आगे से पीछे इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं, या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक इसको इस तरीके से ड्रैग करते होंगे। लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये माउस की सिंपल क्लिक्स पर ही सेलेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माउस की क्लिक्स से आप पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंगल शब्द को, तो आपको सिर्फ उस पर जाके एक डबल क्लिक करना होगा तो वो सिंपल जो शब्द है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको 3 क्लिक करनी होगी, 1, 2, 3, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। अब लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी लाइन के आगे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ में एंड बटन को प्रेस कीजिए, या आपके कीबोर्ड पे दिया गया होता है। और अगर आप लाइन के आखिर में हैं तो शिफ्ट के साथ में होम बटन को दबाइए तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सिंपल हैं, काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस लिस्ट पर, और जो मेन ट्रिक है, जो मास्टर ट्रिक है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस लिस्ट में से केवल आपको जो राज्यों के नाम हैं वो कॉपी करने हैं और कुछ भी कॉपी नहीं करना है। आमतौर पर जब आप इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे राज्यों के नाम कॉपी करने के लिए, तो आप देखेंगे कि साथ में जो प्रदेश हैं और राजधानी है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो केवल इन राज्यों के नामों को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अकेले इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके कहीं और दूसरी जगह ले जा सकते हैं,
आपको करना ये है, आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है और बस आपको नीचे केवल राजधानी के नाम सेलेक्ट करते हुए जाने हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने राजधानी का नाम सेलेक्ट कर लिया है, आपको कॉपी करना है और कहीं भी नीचे ले जाकर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए उस लिस्ट में से सिर्फ राजधानी के नाम यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरीके से हम प्रदेशों के नाम भी अगर सेलेक्ट करना चाहें तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, अल्ट बटन को प्रेस करना है और आप देखेंगे सिंपल आप वहाँ से प्रदेश के नाम भी बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब एक और बात, सिलेक्शन का एक और तरीका भी यहाँ पर देख लीजिए। ये जो पैराग्राफ है इसमें से कुछ नाम हमें छांटने हैं और उनकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये चार नाम हमें निकालने हैं और इनकी एक लिस्ट बनानी है। इसके साथ में हम प्रधानमंत्री को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको कंट्रोल बटन दबाना है और जिन नामों को आप निकालना चाहते हैं इस पैराग्राफ में से उन पर सिर्फ डबल क्लिक करते जाना है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल बटन को प्रेस कर लिया है, प्रधानमंत्री हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री। तो आप देखेंगे इस समय हमने यहाँ से पांच नाम सेलेक्ट कर लिए हैं। बस आपको कॉपी करना है, पेज के लास्ट में जाना है और उसको पेस्ट कर देना। आप देखिए पांचों नामों की एक लिस्ट बन गई है। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में काम करते समय अगर सिलेक्शन में इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। दोस्तों पावर पॉइंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपनी बात को लोगों को समझा रहे होते हैं और उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स चाहिए होते हैं या कुछ ऐसे डेटा चाहिए होता है जो हमें जिसके बारे में हमें लोगों को जानकारी देनी होती है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है कि प्रेजेंटेशन तैयार करते समय हमें कुछ आंकड़े ही लेने हैं और बाकी सारी बातें हमें बोलकर बतानी होती हैं। तो अक्सर करके आपने ढेर सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें ऑफिस में लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, तो वो एक सामने बोर्ड लगा लेते हैं या स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पर कुछ वो आंकड़े दिखाते हैं और साथ में वो उसकी जानकारी भी देते जाते हैं। तो सेम वही आपको यहाँ पर करना है। प्रेजेंटेशन में आपको सारी जानकारी एक साथ लिख के नहीं रखनी है, आपको जो जो शीट है, जो आपकी स्लाइड है, वो पूरी तरीके से नहीं भरनी है। यहाँ पर कुछ आपको लिमिटेड आंकड़े ही आपको लेने हैं और तभी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पावरफुल बन पाती है साथ में, क्योंकि आपको भी खड़ा होना होता है और आपको वो जानकारी देनी भी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या होता है इसका लेआउट और कैसे हम पावर पॉइंट में अपनी जो डिज़ाइन है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले पावर पॉइंट में आपको कोई भी स्लाइड शो अगर बनाना है, कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उससे पहले आपके पास कुछ आंकड़े या जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एमएस वर्ड में वो जो सारी जानकारी है उसको टाइप कर लेता हूँ कि मुझे वहाँ पर क्या पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल डॉक में कुछ डेटा लिया है और ये जो डेटा है वो जल ही जीवन है के ऊपर है। यहाँ पर हम जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे वो करेंगे कि हम पानी को कैसे बचाएं और पानी बचाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके लिए मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पर तैयार किए हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट हैं। अब यही मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंटेशन बनाते समय अगर आप ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। उससे पहले ही आप तैयार कर लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन किस चीज़ पर बनानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जो मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस तैयार किया है जल ही जीवन है टॉपिक के ऊपर। तो अब चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। यहाँ पर आप देखेंगे इसका ये बेसिक लेआउट है और यहाँ पर ये जो आपको सबसे सामने दिख रहा है, जैसे एमएस वर्ड में पेज दिखता है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट दिखती है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो वाइट कलर का जो एरिया है इसे हम कहते हैं स्लाइड, और ये जो स्लाइड है इन्हीं पर हम अपना डेटा तैयार करते जाते हैं। जैसे और सभी सॉफ्टवेयर्स में होता है, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में ऑफिस बटन दिया गया है जिसमें आपके बेसिक जितनी भी कमांड्स हैं, ओपन की, न्यू की, सेव सेव एज, प्रिंट की, वो सभी यहाँ पर दी गई हैं जिनसे आप अपनी स्लाइड शो को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे जो होम मेन्यू है इसका, उसमें आपके वही सारी बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी डेटा को तैयार करते समय हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स हैं वो दिए गए हैं, जैसे फॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन दिया गया है, फॉन्ट इंक्रीज डिस्क्रीज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है क्लियर और फॉर्मेटिंग का, यानी अगर आप कोई भी अक्षर लिखकर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अभिमन्यु और उसके ऊपर मैं कोई भी कलर या फॉन्ट अप्लाई करूँगा इस तरह से, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो पुरानी स्थिति में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन है,
एक ऑप्शन और भी नया यहाँ पर दिया गया है, टेक्स्ट शेडो। ये क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम टेक्स्ट शेडो का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो आपने टाइप किया है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, उसके नीचे एक शेडो आ जाती है। तो और बाकी किसी एप्लीकेशन में ये ऑप्शन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की में केवल पावर पॉइंट में ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में जो गैपिंग होती है उसको भी लूज़ और टाइट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर आप वेरी लूज़ कर देंगे तो आप देखेंगे जो आपके लेटर हैं उनके बीच में जो जगह है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, अगर इसे वेरी टाइट कर देंगे तो जो जगह है वो बहुत कम हो जाएगी। साधारण तौर पर हमें नॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे केस चेंज का ऑप्शन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। तो ये आपको आपके जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प करते हैं ये सारे ऑप्शन। सबसे शुरुआत में यहाँ पर एक नया ऑप्शन है जो कि स्लाइड्स के लिए जोड़ा गया है, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और डिलीट। इनको हम समझ लेते हैं खास तौर पर। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते समय आप एक एक स्लाइड तैयार करते हैं और एक के बाद एक स्लाइड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बदलते जाते हैं, यानी नई स्लाइड पर पहुँचते हैं आप, एक स्लाइड को बदलते हैं और दूसरी स्लाइड पर आते हैं। जैसे कोई मूवी चल रही हो कि आपने एक कहानी का एक हिस्सा पढ़ लिया या किताब का एक कोई पन्ना पढ़ लिया, फिर अगला पन्ना आया और आपने वहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, उसके बाद आपने दूसरा पन्ना पलटा। इसी तरह से हम यहाँ एक एक करके स्लाइड्स बनाते हैं जिस पर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक स्लाइड की इन्फॉर्मेशन खत्म होने के बाद में दूसरी स्लाइड आपके सामने आ जाती है। और वही सारी स्लाइडों के जो लेआउट हैं, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो टेम्पलेट हैं, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो टोटल 9 तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर हैं। पहला टाइटल स्लाइड का है, दूसरा टाइटल एंड कंटेंट का है, तीसरा सेक्शन हेडर का है। तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चूज़ करने पर ये कैसे बदलता है। तो यहाँ पर मैं टू कंटेंट वाला लेता हूँ तो क्लिक करूँगा, आप देखिए इस तरह से बदल गया। अगर आपको ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देना है तो आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए तो ये इस तरह से बदल जाएगा। नई स्लाइड अगर आपको नीचे लगानी है, यानी इसके नीचे एक और स्लाइड आपको लेनी है, तो बस आपको यहाँ पर जाना है और जो भी आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, बस उसी टेम्पलेट वाली जो स्लाइड है वो आपकी उस स्लाइड के नीचे आ जाएगी। इन स्लाइड को आपस में बदलना भी बहुत आसान है, आप एक स्लाइड को उठा के ऐसे ड्रैग करके ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली स्लाइड को तैयार करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लेआउट है वो अभी अलग है और मुझे लेआउट दूसरा बदलना है। तो मैं न्यू स्लाइड पे ना जाके इसी स्लाइड का लेआउट अगर मुझे बदलना है तो बस लेआउट पे जाना है और यहाँ से टाइटल स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरी वर्तमान जो स्लाइड है उसका लेआउट बदल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले ही इसका डेटाबेस तैयार कर रखा है, वहाँ से मैं एक एक करके चीज़ें उठाता जाऊँगा ताकि टाइप करने में जो लगने वाला समय है वो बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल डॉक पे और जो सबसे पहला मेरा टाइटल है यानी जल ही जीवन है उसे मैं पहली स्लाइड पर पेस्ट कर दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, फिलहाल हम वो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको फॉन्ट अगर इंक्रीज करना है अपने टेक्स्ट का तो आप सेलेक्ट करके उसे बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लिया है और साथ में शेडो भी लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको सबटाइटल देना है, आप चाहें तो दे दीजिए अन्यथा इसको हटा दीजिए। तो ये आपकी पहली जो स्लाइड है वो तैयार हो चुकी है, यानी हम जो इस टॉपिक पर लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है जल ही जीवन है। अब नई स्लाइड हम यहाँ पर एंटर कराते हैं तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट स्लाइड का भी ऑप्शन मिलेगा और न्यू स्लाइड का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप अगली जो स्लाइड है वो सेम बिल्कुल ऐसी ही बनाना चाहते हैं, यानी इतना बड़ा आपका टाइटल रहे और सेम ऐसे ही आपको एक लाइन लिखनी हो, तो आप यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। तो अब देखिए इस तरह से एक और स्लाइड आ जाएगी। अगर नहीं चाहते तो इसको हम हटा भी सकते हैं और एक नई स्लाइड बना सकते हैं। तो न्यू स्लाइड पे हम जाते हैं, इसका लेआउट मैं यहाँ से बदल दूंगा और यहाँ पर ये टेक्स्ट ओनली वाली स्लाइड को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट ही ऐड कराना है, तो अगला टेक्स्ट है हमारा ये वाला, जल को सुरक्षित रखकर ही जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स से जो टेक्स्ट है वो ऊपर चला गया है, तो आप इसको नीचे पकड़ के भी खींच सकते हैं। आप चाहें तो इसको सेंटर में रख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। इसको आप चाहें तो यहाँ से
आप शेडो दे सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा भी चाहे आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद सेम मुझे अगली जो स्लाइड है वो भी ऐसी ही चाहिए, तो डुप्लीकेट साइड के ऑप्शन पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड को मैंने डुप्लीकेट बना लिया है, और दोबारा से यहाँ पर ये जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वाली स्लाइड पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया है। अब जो अगली स्लाइड है वहाँ पर हम फैक्ट डालेंगे, तो यहाँ पर दोबारा से हम जाएंगे न्यू स्लाइड पर। अब यहाँ पर हम टू कंटेंट वाली स्लाइड लेंगे और देखिए हम इसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और ऊपर डाल देंगे। अब ये ऊपर निकल गया तो इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे। आप देखते जाइए कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपके काम में आए। ये देखिए, तो ये हमने एक फैक्ट लिखा और इससे जुड़े हुए और भी कुछ फैक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये वाले इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। ये देखिए ये हमने छोटे कर लिए ताकि यहाँ पे आसानी से आ जाए। ये देखिए, तो यहाँ पर अभी हमने तीन तरह की स्लाइड अभी बनाई। अब यहाँ पर हमें चित्र लगाना है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक स्लाइड या कोई क्लिप आर्ट या कोई भी चित्र इंसर्ट कराने के लिए बस उसके आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर उसके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ये क्लिप आर्ट का आ गया है, तो यहाँ पर देखिए क्लिप आर्ट का ऑप्शन आ गया। अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इंटरनेट से तो आप वहाँ पर कोई भी शब्द डालकर, जैसे मैंने सर्च फॉर वाटर के लिए किया है, आप उससे जुड़ी हुई क्लिप आर्ट्स को सर्च करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्लिप आर्ट लगाने वाला हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक जल ही जीवन है, तो मैं जल से रिलेटेड कोई भी एक क्लिप आर्ट यहाँ पर ऐड करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक पानी का क्लिप आर्ट लगा दिया है और अब हम आगे की स्लाइड को बनाने वाले हैं। अगर आप इसी तरह की स्लाइड रखने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से एक नई स्लाइड का जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही टेम्पलेट रखूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या है, कैसे रोकें। तो यहाँ से हम इसे ले लेंगे, क्लिक करेंगे कैसे रोकें पर, और यहाँ पर दोबारा से हम पानी का एक कोई फ़ोटो लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने पानी की बूंद ले ली है और हमारे जो फैक्ट हैं उनको हम उठा लेते हैं, दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि मेरा जो डेटा था वो बड़ा था, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से यहाँ पर आ गया है। अगर थोड़ी बहुत जगह बचे तो आप यहाँ पर जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कुल हमने 5 स्लाइड तैयार की हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली स्लाइड है जल ही जीवन है, और दूसरी जो स्लाइड है वो ये है, तीसरी स्लाइड ये है कि पृथ्वी पर कितना पानी है और कितना हमारे पीने लायक है, चौथी स्लाइड है कि क्या क्या हो रहा है पानी को लेके, और पांचवी जो स्लाइड है वो हमने बनाई है कि इसे कैसे रोकें। तो ये जो सारे फैक्ट हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं और पांचों स्लाइड हमने तैयार कर ली है। तो अभी बेसिक आपने जो स्लाइड शो है वो अपना बना लिया है। अगर मैं बात करूँ कि ये स्लाइड शो इतना ही होता है तो वाकई में स्लाइड शो इतना ही होता है, बाकी सारे के ऑप्शन जितने भी आगे हैं वो सब इसे सजाने के लिए हैं, यानी डेकोरेट करने के लिए हैं। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने स्लाइड शो में डाल दी है। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको कुल 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो पहला है नॉर्मल ऑप्शन, जो अभी इस समय यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको एक बार में दिख जाएंगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है स्लाइड शो का, तो पहले नॉर्मल पे चले जाते हैं और तीसरे ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपने अभी यहाँ पर बनाया है वो एक स्लाइड शो के रूप में आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं, तो आप देखिए पहली स्लाइड आ गई। अब जब आप माउस से क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड के एरो की को दबाएंगे तो आपकी अगली स्लाइड आएगी कुछ इस तरह से। फिर अगली स्लाइड लगाने के लिए आपको दोबारा से एरो की को क्लिक करना होगा या माउस के बटन को क्लिक करना होगा कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद फिर से आप क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी, और फिर से अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके आगे की या लास्ट स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। दोबारा से क्लिक करने पर जो स्लाइड शो है वो एंड हो जाएगा, ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, और एक और क्लिक जब आप करेंगे तो आप स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। तो ये इतना था स्लाइड शो बनाने का तरीका और सिंपल उसे चलाने का तरीका। अब आगे देखते हैं कि आगे हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम इंसर्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप देखेंगे टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, एल्बम है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है और चार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप अपने
स्लाइड शो में एंटर करा सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। पिक्चर के लिए आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर आपको लेनी है तो मान लीजिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस क्वेश्चन मार्क को और यहाँ से इंसर्ट करा देता हूँ। तो आप देखिए ये क्वेश्चन मार्क की जो पिक्चर है वो आ गई है और इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो नोट्स हैं इनको पकड़ के हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप जहाँ भी इसको लगाना चाहेंगे वहाँ लगा सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे जुड़े हुए जितनी भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं वो आपको ऊपर यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, जैसे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, कंप्रेस पिक्चर है, चेंज पिक्चर है, रीसेट पिक्चर है, या इसके लिए कोई भी अगर आप फ्रेम लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए मैंने एक ही फ्रेम में इसके चारों तरफ एक राउंड फ्रेम बना दिया है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप जो भी ऑप्शन इस पिक्चर पर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको फोटो एल्बम लगाने का ऑप्शन मिलेगा, क्लिप आर्ट अभी हमने लगाई ही थी, शेप का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कोई भी एरो है, आपको कोई भी ब्रैकेट लगाना है, कोई भी आपको सर्किल बनाना है तो आप एक सेकंड में बना सकते हैं, बहुत आसान है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लिक करना है, पकड़ के आपको खींच देना है। और ये आप टेक्स्ट के ऊपर या नीचे भी लगा सकते हैं। इसको भी लगाने का तरीका बहुत आसान है कि आप जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शन मिलेंगे, यानी ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, और जैसे आप सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये जो सर्किल है ये आपके टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने टेक्स्ट के आगे या पीछे भी लगा सकते हैं। तो इंसर्ट का जो पूरा सेक्शन है वो आप समझ गए होंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। इसके साथ में अगर आपके पास कोई मूवी क्लिप भी है तो भी आप अपने स्लाइड शो में उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जितना स्लाइड शो आपका सिंपल होगा उतना ज़्यादा आपको समझाने में आसानी होगी। आप ऐसा ना कर देंगे उसको बहुत ज़्यादा भर दें कि जो स्लाइड शो जब आप प्रेजेंटेशन करें तो लोग आपके बजाय आपके स्लाइड शो को ही देखते रहें। स्लाइड शो बनाया सिर्फ इसलिए जाता है कि वहाँ पर जो आप फैक्ट है उसको दिखा पाएँ, बाकी सारी बात आपको बतानी है, तो वो एक बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिज़ाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके स्लाइड शो बहुत सादा सिंपल है, यहाँ पर कोई कलरफुल नहीं है, तो आप यहाँ से सिंपल दिए गए जितने भी कलर्स हैं उनको ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी कलर को सेलेक्ट करूँगा तो मेरा पूरा स्लाइड शो जो है उसी कलर की थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे किसी भी टेक्स्ट को फिल नहीं करना है, यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं लेना है। आप देखिए अगर मैं आगे की स्लाइड्स आपको दिखाऊँगा तो सारी स्लाइड्स जो है वो उसी कलर के थीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर अभी मैंने कोई भी कलर नहीं लिया था लेकिन आप देखेंगे बुलेट का कलर भी चेंज हो गया है, टेक्स्ट का कलर भी अपने आप चेंज हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से थीम या टेम्पलेट ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आपके फॉन्ट का कलर, आपके स्लाइड शो के जितने भी टेक्स्ट कलर हैं, फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड कलर है, वो अपने आप बदल जाएगा। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो स्लाइड शो है आप किस कलर किस थीम का रखना चाहते हैं जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। मेरा तो यही कहना है कि आप सिंपल से सिंपल रखें, लेकिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो कलर जो टेम्पलेट जो भी लेना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कलर और टेम्पलेट की बात। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है एनिमेशंस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी स्लाइड शो को इफेक्टिव बनाने में। अब एनिमेशन यहाँ पर दो तरह के होते हैं, पहली एक स्लाइड से जो दूसरी स्लाइड शो पर जाने वाला एनिमेशन है वो, और दूसरा आपके टेक्स्ट एनिमेशन, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो आपके स्लाइड शो पर कैसे आता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि जितने कम एनिमेशंस होंगे आपके स्लाइड शो में उतना ज़्यादा आपका स्लाइड शो इफेक्टिव रहेगा, आपको दिखाने में भी आसानी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर टेक्स्ट पर एनिमेशन लगा देते हैं, हर चीज़ पर इतना एनिमेशन लगा देते हैं कि वो बस घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो वो उसमें मज़ा नहीं आता है। जितना सादा सिंपल आप इसको रखेंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। तो हम यहाँ से कोई भी एक सिंपल थीम ले लेते हैं जिसमें हमारे जो टेक्स्ट हैं और जो हमारी बताने वाली सारी चीज़ें हैं वो एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई दें। उसके बाद हम यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई तरह के एनिमेशन होंगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर हम जाएंगे तो ये जो फेड वाला इफेक्ट है वो आएगा। देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो एनिमेशंस हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए। तो आप जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए।
तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू ऑल का। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, यहाँ पर आप एनिमेशन के साथ में साउंड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एरो की साउंड दी गई है, बॉम्ब की साउंड दी गई है, कैमरे की साउंड दी गई है, अलग अलग साउंड्स यहाँ पर दी गई हैं, क्लिक की साउंड है, कॉइन की साउंड है। अगर आप रखना चाहते हैं साउंड तो रख सकते हैं, नहीं तो आप बिना साउंड के भी एक बहुत अच्छा स्लाइड शो यहाँ पर बना सकते हैं। साथ में जो आपकी जो स्पीड है वो दी गई है कि कितनी जल्दी ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएगा, तो यहाँ पर आप मीडियम रख सकते हैं और इसके बाद अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करके देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड शो चला लेते हैं। तो आप देखिए पहली स्लाइड, उसके बाद दूसरी स्लाइड, तो जो इफेक्ट मैंने लिया था वो इफेक्ट यहाँ पर ज्यों का त्यों आ रहा है और स्लाइड शो पूरा चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो अब अगला एनिमेशन आएगा वो एनिमेशन आएगा आपके टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कस्टम एनिमेशन का, और कस्टम एनिमेशन हमें ये पावर देता है कि हम अपने हर टेक्स्ट पर अलग अलग एनिमेशन लगा पाएँ। यहाँ पर जब आप कस्टम एनिमेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड इफेक्ट का, और जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स यानी ये जो टेक्स्ट है और इसके चारों तरफ ये बना हुआ जो बॉक्स है वो सेलेक्ट कर रखा होगा उस पर वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। तो पहली स्लाइड पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेंगे चार तरह के ऑप्शन। ये मोशन पाथ है, इसको मैं अपने स्लाइड शो में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद में ये एंट्रेंस वाला है। यहाँ पर जब आपकी स्लाइड पर टेक्स्ट आएगा तो उस समय के लिए जो इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फ्लाई इन, इस पर क्लिक करेंगे हम तो आप देखिए आपका टेक्स्ट फ्लाई होके आया, और फ्लाई जब होके आएगा तो क्या स्टार्ट होगा, वो आपकी माउस की क्लिक पर या आपके प्रीवियस टेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद वहाँ कहाँ से आएगा, बॉटम से आएगा, लेफ्ट से आएगा, राइट से आएगा, टॉप से आएगा, उसकी पोजीशंस दी गई हैं। जैसे अभी मैं टॉप से लेकर आना चाहूँ तो टॉप से भी आ जाएगा, बॉटम से लाना चाहूँ तो बॉटम से भी आ जाएगा, राइट से लेकर आना चाहूँ तो राइट से भी आ जाएगा, और लेफ्ट से लाना चाहूँ तो लेफ्ट से भी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर स्पीड दी गई है, वो किस स्पीड से आपकी स्लाइड में एंटर करेगा। तो यहाँ पर वेरी स्लो है, मीडियम है, वेरी स्लो पर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। एक बार इसको वेरी फास्ट पर देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और भी हमें ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर इस पर इसके बाद इसमें हमें और भी ऑप्शन मिलेंगे। ये तो हमने पूरे टेक्स्ट पर लगा दिया, पूरा जो लाइन है उस पर लगा दिया। अगर अलग अलग हमें लगाना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके नीचे ये जो लाइन मिलेगी टेक्स्ट वाली, इस पर जाना है और यहाँ पर ये जो एरो है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर जाना है। इस पर जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर फ्लाई इन के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे इफेक्ट कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं स्मूथ स्टार्ट हो और स्मूथ एंड हो तो इसको यहाँ से क्लिक लगा सकते हैं, बड़े आराम से आएगा और आराम से ख़त्म होगा। यहाँ पर आप साउंड लगा सकते हैं, आप जो भी साउंड लगाना चाहें। इसके बाद एनिमेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर एनिमेशन क्या होगा, कलर बदलेगा तो आप कलर बदल सकते हैं। क्लिक करके एक बार देख लेते हैं, ओके करते हैं, ये देखिए कलर बदल गया एनिमेशन होने के बाद में। दोबारा से जाते हैं इफेक्ट ऑप्शन पर, इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है एनिमेटेड टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल एट वंस का, यानी अभी क्या हो रहा है कि पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एक साथ में आ रहा है। आप अगर चाहें तो एक एक शब्द करके ला सकते हैं, एक एक लेटर भी आप वहाँ पर ला सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे, बाई वर्ड और बाई लेटर। तो बाई वर्ड अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पहले एक एक शब्द आएगा, पहले जल आएगा, फिर ही आएगा, फिर जीवन आएगा, फिर है आएगा। देख लेते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। देखिए इसको मैं फास्ट है स्लो कर देता हूँ तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए एक एक करके सारे जो टेक्स्ट हैं वो एंटर हो रहे हैं। अब हम लेटर वाइज करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जाते हैं, इफेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं और बाय लेटर। अब यहाँ पे डिले बिटवीन लेटर भी लिखा है, केवल 10% है। इसको अगर हम 100% करेंगे तो पहले एक शब्द आएगा उसके बाद ही अगला शब्द आएगा। ओके कर दिया और थोड़ा सा इसको हम मीडियम चलाते हैं। देखिए एक शब्द आएगा रुकेगा, उसके बाद दूसरा शब्द आएगा रुकेगा, उसके बाद तीसरा आएगा वो रुकेगा, इस तरह से ये सारे शब्द आएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपने स्लाइड शो में तब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करिएगा, वरना मत करिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, एक्सिट कैसे करेगा आपका वर्ड, यानी स्लाइड पर आके चला जाए। तो फ्लाई आउट का ऑप्शन है, बॉक्स का ऑप्शन है, चेक बोर्ड का ऑप्शन है,
तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर भी हम फ्लाई आउट ले लेते हैं, क्लिक करके ओपन करते हैं। देखिए आपका जो लेटर था वो बाहर चला गया। दोबारा से प्ले करके देखते हैं, ये देखिए। तो एक साथ में आप अपने स्लाइड शो पर कई सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको इफेक्ट की आपको संख्या दिखती जाएगी। मैं एक इफेक्ट और लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। जैसे मैंने लगाया दूसरा, तो आपको यहाँ पर दिख गए दो इफेक्ट अभी हमने इस पर अप्लाई किए हैं। तो इस तरह से आप अपने पूरे स्लाइड शो पर जितने इफेक्ट लगाना चाहें उतने इफेक्ट लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिर भी लास्ट बार आपसे कहूँगा कि आप जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको स्लाइड शो बेहतर बनेगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के बीच में और स्लाइड के बीच में जो एनिमेशन है वो लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले मेन्यू पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड शो का। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है वो है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी अगर शुरुआत से अपने स्लाइड शो को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, या फिर अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस कीजिए। F5 अगर आप प्रेस करेंगे तो शुरुआत से आपका जो स्लाइड शो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अगली स्लाइड बदलने के लिए आप माउस से क्लिक कीजिए, या फिर आप अपने कीबोर्ड की एरो की से आगे बढ़ाइए। स्लाइड शो को बीच में ही बंद करने के लिए कीबोर्ड पर दिए गए एस्केप बटन को प्रेस कीजिए, तो स्लाइड शो बीच में ही बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी जो भी स्लाइड आपने खोल रखी है अगर आप उसको फुल स्क्रीन करके देखना चाहते हैं या फिर स्लाइड शो की तरह चलाकर देखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F5 को प्रेस कीजिए। इस तरह से तो जो भी स्लाइड है आपकी वो आपको दिख जाएगी, क्या एनिमेशन उस पर आ रहा है, कैसी बैकग्राउंड लग रही है, और एस्केप दबाने के बाद आप उसे बंद कर पाएंगे। तो ये दो बेसिक चीज़ आप जान लीजिएगा कि बार बार शुरू से स्लाइड शो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे मिलेगा हमें कस्टम शो का ऑप्शन। न्यू पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो दिख जाएंगी। देखिए हमने मान लीजिए 10 स्लाइड तैयार की और हम ये चाहते हैं कि 10 में सिर्फ 5 ही हम वहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो वहाँ पर दिखाई दें और उसके अलावा बाकी जो स्लाइड्स हैं वो हमें दिखाई ना दें। तो यहाँ पर आप उन 5 स्लाइड्स को या 4 स्लाइड को या 2 स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इधर ऐड करना है, तीसरी को लेते हैं, फिर से ऐड कराते हैं और चौथे को लेते हैं, ऐड करा देते हैं। अब ये यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं 1, 2, 3 और स्लाइड नंबर 4, हमने यहाँ से 4 स्लाइडें ली हैं और यहाँ पर जो स्लाइड हैं वो 5 हैं। अब जो शो होगा वो केवल 4 स्लाइड का होगा, सुरक्षित वाला जो सेक्शन है वो हट गया है, इसे यहाँ से हम ओके करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो का बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो 4 स्लाइड आपने ली थी वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी, बाकी जो बीच वाली स्लाइड थी वो हट जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से वो दिखाई ही नहीं देगी, यानी वो आपके सिलेक्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा ऑप्शन, कस्टम शो का, जो आपने अभी तैयार किया था, और आप कहीं भी जाकर वो जो कस्टम शो है वो आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है सेटअप स्लाइड शो का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड शो के बारे में जो सारी जानकारी है, जो सारी सेटिंग है वो यहाँ पर दिख जाएगी। अब देखिए बहुत सारे लोग स्लाइड शो के दौरान में पेन का इस्तेमाल करते हैं अपने स्लाइड शो में, कहीं भी लोकेट कोई भी चीज़ उनको दिखानी हो तो, और यहाँ पर वो जो पेन है उसका कलर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ये है रेड कलर है या वाइट कलर है, कोई भी आप कलर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा ऊपर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो आप स्लाइड शो दिखाएंगे वो फुल स्क्रीन होगा, तो आप इस पर जो रेडियो बटन है वहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल किसी विंडो में दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको आप लेंगे। अगर आप कियोस्क में यानी किसी टच स्क्रीन पैनल पर आपने भी स्लाइड शो को दिखाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपने कोई ऐसा स्लाइड शो तैयार किया है आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक चलता रहे एक लूप में, यानी पहली स्लाइड आए, दूसरी आए, तीसरी आए और तीसरी के बाद अपने आप पहली आ जाए। जैसे आपने देखो किसी फ्लाईओवर पर कोई ऐड चलता रहता है, पहले ऐड आता है, उसके बाद दूसरा ऐड आता है, फिर दोबारा से पहला वाला ऐड आ जाता है, तो लूप में चलते रहते हैं वो। तो ये जो ऑप्शन है ये लूप का ऑप्शन है कि आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने अगर ऑटोमेटिक टाइमिंग सेलेक्ट कर रखी है अपने स्लाइड शो की, जैसे आपने माउस की क्लिक नहीं सेलेक्ट कर रखी है, ऑटोमेटिक अगर कर रखा है और आपने ये ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो स्लाइड शो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा बिना एस्केप बटन को दबाए। जब तक आप एस्केप बटन नहीं दबाते हैं तब तक वो स्लाइड शो नहीं रुकेगा।
तो आपके स्कूल में कोई ऐसा आप प्रोग्राम कर रहे हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं प्रोग्राम की ज़रूरी बातें अगर आप किसी डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हैं और वहाँ पर आपके पास कोई बंदा नहीं है बिठाने के लिए, तो आप यहाँ पर एक ऐसा स्लाइड शो तैयार कर दीजिए वहाँ पर ज़रूरी ज़रूरी बातें चलती रहेंगी और एक लूप में वो घूमती रहेंगी, यानी एक ऐड जैसा वहाँ पर चलता रहेगा और ये जो सारी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिक होगी, लोग देख कर इम्प्रेस भी हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्लो स्लाइड्स का ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन था। यहाँ पर आप अपने स्लाइड शो को चुन सकते हैं या फिर यहाँ से कस्टम स्लाइड शो को ले सकते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, कस्टम स्लाइड शो में जितनी भी स्लाइड्स ली थी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी और वही चलनी शुरू होंगी, उसके अलावा कोई भी नहीं चलेगी, वही चलेंगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से ये मैंने सारी आपको चीज़ें बता दी हैं कि किस किस तरह से काम करती हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका जो स्लाइड शो है वो एकदम गजब तरीके से तैयार है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको बताता हूँ एक और ऑप्शन, यहाँ पर आप अपने स्लाइड शो को एक प्रेजेंटेशन के तौर पे भी सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, कि उस पर क्लिक करें तो ये सब कुछ ना खुले, एडिट करने वाला ऑप्शन या जो भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं वो ना खुले, सीधे सीधे प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए। तो यहाँ पर आप जाएंगे सेव एज के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर पॉइंट शो। जब आप इस पावर पॉइंट शो में अपनी किसी भी फाइल को सेव करते हैं, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और ये देखिए सेव हो गया, तो क्या होगा कि ये जो फाइल अभी मैंने बनाई है वो ओपन ही नहीं होगी, सीधे जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी कहीं भी। फिर डबल क्लिक किया और आप देखिए फुल स्क्रीन जो प्रेजेंटेशन है वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है कि जहाँ भी हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं वहाँ हम लोगों के सामने पहले अपनी फाइल को ओपन करते हैं और उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन को कहाँ से शुरू करना है वहाँ पे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। अब चूँकि आपने प्रेजेंटेशन तैयारी कर रखा है तो सीधे सीधे आप जाके प्रेजेंटेशन को एक मूवी की तरह चला सकते हैं। एस्केप जब आप प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा और आपकी फाइल के अंदर और कौन कौन सी भी स्लाइडें थी वो किसी को दिखाई नहीं देंगी। तो ये जो मेन चीज़ें थी आपके स्लाइड शो को बनाने में, ये आपकी बहुत मदद करेंगी। आगे भी हम पावर पॉइंट के बारे में और भी वीडियोस लेकर आएंगे, टिप्स और ट्रिक्स लेकर आएंगे जिससे आप और भी बेहतरीन तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सेस का बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सेस 2007 और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट दिखाई देंगे, यहाँ पर न्यू ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर ओपन रीसेंट डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एक्सेस में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल नहीं होती है, उसे डेटाबेस कहते हैं, जैसे कि एक्सेल में स्प्रेडशीट कहते हैं और एमएस वर्ड में उसको फाइल बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है, इसी तरीके से एक्सेस में उसको डेटाबेस बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी नई फाइल अगर बनाएंगे तो उसे डेटाबेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको नई फाइल बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल नेम का, तो जो भी फाइल नेम आप अपने डेटाबेस को देना चाहते हैं वहाँ इस को एक नाम दे दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं MBG। तो ये जो फाइल है ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगी। अगर आप कहीं और इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, ओके कर दीजिए और इसे क्रिएट कर दीजिए। जब आप इसे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। ये जो व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं डाटा शीट व्यू। तो ये जो व्यू है वो डेटा शीट व्यू है। इसके अलावा एक व्यू हमें और यहाँ पर दिखाई देता है, वो है डिज़ाइन व्यू। अगर आपने एक्सेल में काम किया हो तो सेम ये जो व्यू है ये एक्सेल की तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और एक्सेल में भी काम करते हैं, हम टेबल बनाते हैं और जब हम डेटा फीड करेंगे, डेटा की एंट्री करेंगे, तो भी हम वहाँ पर टेबल में ही करेंगे। जो टेबल है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को एंटर करने का। तो आप यहाँ भी एक्सेस में भी आप डेटा को टेबल में ही एंटर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अभी खोला हुआ है डेटा शीट व्यू। इस व्यू को आप चले जाइए डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू सबसे बेटर होता है किसी भी टेबल को या फॉर्म को बनाने के लिए। जब आप डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेबल नेम। तो हम जो टेबल बना रहे हैं, हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी टेबल में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप किस चीज़ का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक ऑफिस का डेटा कलेक्ट, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं ऑफिस डाटा और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे ओके करेंगे तो जो ऑफिस डेटा की टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे हम एक्सेल में कॉलम बनाते थे
तो यहाँ पे भी हम कॉलम ही बनाएंगे और कॉलम और रोज में डेटा को फीड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कॉलम्स को कहते हैं फील्ड, और जो डेटा आप एंटर करेंगे उसे हम कहते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड। तो ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपको यहाँ पर फील्ड बनाने हैं टेबल के लिए, जैसे अब आप एक्सेल में बनाते थे ऊपर डेटा का हेडर जो टाइप करते थे वो यहाँ पर फील्ड नेम है, और यहाँ पर आप इन फील्ड्स में जो डेटा एंटर करेंगे उसे हम बोलेंगे रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो फील्ड नेम है यहाँ पर आप देखेंगे चाबी बन गई है, तो यहाँ पर हमें जो फील्ड दिया गया सबसे पहले वो दे दिया गया आईडी, और उसके सामने हमें जो डेटा टाइप है यानी कि जो आईडी है वो किस प्रकार की होगी। आपको पता होगा एक्सेस में हम हर सेल को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट उसकी चेंज कर देते थे, कहीं पे नंबर फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पे डेट फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पर करेंसी फॉर्मेटिंग होती थी, कहीं पर नंबर फॉर्मेटिंग होती थी। वो उसी हिसाब से एक्सेस में भी यहाँ पर हर फील्ड का अलग अलग फॉर्मेट होगा, यानी आप अगर इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, येस और नो है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है और लुकअप विजार्ड है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आईडी का मतलब ये है कि ये आपकी सबसे पहला आईडी नंबर जो भी सीरीज़ के साथ में चलता जाएगा, यानी कि अब आप एक डेटा एंटर करेंगे उसके बाद में ये जो आईडी हमने यहाँ पर ऑटो नंबर दी है ये अपने आप उस नंबर को बढ़ाता जाएगा। तो देख लेते हैं ये कैसे करता है। यहाँ पर हम सेकेंड जो फील्ड है उसको नाम दे देते हैं नेम। मानिए हमें एक ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा यहाँ पर फीड करना है, और जो नेम वाला डेटा है वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद हम इसे देख लेते हैं कि ये जो डेटा है वो डेटा शीट में किस तरीके से एंटर होगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं डेटा शीट व्यू पर, इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो एक फील्ड है वो जनरेट हो गया है नेम का, और आईडी यहाँ पर आ गई। हम जैसे ही यहाँ पर नाम डालेंगे, आप देखिए हमने जैसे ही नाम डाला तो यहाँ पर आईडी अपने आप जनरेट होकर आ गई एक। आप जैसे ही टैब या एंटर का बटन दबाएंगे और नया नाम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेस द्वारा उसे एक नई आईडी यहाँ पर दे दी जाएगी। अब देखते हैं कि दोबारा हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू पर और यहाँ पर एक नया फील्ड जनरेट करके देखते हैं। नेम के बाद हम डाल देते हैं लास्ट नेम, और इसको भी डेटा टाइप दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद डाल देते हैं यहाँ पर एड्रेस, और एड्रेस को भी हम यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद में डालते हैं हम सिटी, और सिटी को भी यहाँ पर हम दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर लेंगे नंबर फॉर्मेट में। ये देखिए हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में फ़ोन नंबर को ले लिया। इसके बाद में ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को आप लेंगे यहाँ पर हाइपरलिंक फॉर्मेट में, यानी जब आप ईमेल आईडी को फीड करेंगे तो उस पर क्लिक करके आप सीधे उसको मेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है उसके लिए आपने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो फील्ड हैं वो यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। अब कुल मिलाकर आपने 7 फील्ड यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव, और दोबारा हम जाते हैं डेटा शीट व्यू में। आप देखेंगे वो 7 फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। लास्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पर, एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर सिटी का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर भी सिटी दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, के बाद में ईमेल आईडी डाल देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर की है तो वो अपने आप हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गई, और वहाँ पर मेल टू का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे सीधे इस व्यक्ति को या सीधे सीधे इस ईमेल आईडी पर मेल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेल करने के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पर आपका जो भी आप उसको भेजना चाहते हैं उसको डालेंगे, और यहाँ से आप मेल कर देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर हमें डिज़ाइन व्यू में दिए गए हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर डालेंगे फ़ोटो, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अटैचमेंट का। तो यहाँ पर आप कोई फ़ोटो या कोई फाइल भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सिटी में आप चाहते हैं कि बार बार आपको एक ही सिटी फीड ना करनी पड़े, मानिए 10 लोग आगरा में रहते हैं तो आपको बार बार आगरा टाइप ना करना पड़े, तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कई सारे ऑप्शन। जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे आगरा लिख सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग आगरा में रहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए
जैसे आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिटी के लिए आगरा रखेंगे तो और अगला डेटा आप यहाँ से फीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आगरा बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप अगली एंट्री जैसे ही करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अगली एंट्री की तो आगरा यहाँ पर आ गया, और अगली एंट्री में भी यहाँ पर अपने आप आगरा आ गया। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप अपने शीट के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, आप चाहते हैं कि यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए तो उसके लिए आप टेक्स्ट के बजाय यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए लुकअप विजार्ड को, और लुकअप विजार्ड में ये सेकंड ऑप्शन है, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर उन सभी शहरों के नाम टाइप कर दीजिए जितने भी शहर आप यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके टाइप कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो तीन शहर हैं हमने यहाँ पर इनको टाइप किया है, इसके बाद इसे नेक्स्ट करते हैं और हम इसे नाम दे देते हैं सिटी का। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है, अलाउ मल्टीपल वैल्यू, तो अगर आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा शहरों में रह रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए, एक के लिए एक वैल्यू काफ़ी होती है, और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब दोबारा से आप जाइए डेटा शीट व्यू में, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप डाउन मेन्यू का, यानी आप एक साथ जो है कोई भी शहर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। अब हम अटैचमेंट लगा के देख लेते हैं कि हमारा अटैचमेंट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर अटैचमेंट के आइकन पर डबल क्लिक कीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर अटैचमेंट्स के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप इसको ऐड कराइए और कोई भी पिक्चर यहाँ से, आप किसी की फ़ोटो आपको डालना हो एम्प्लॉइज़ का किसी का भी, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन कर दीजिए, कि यहाँ से ऐड करा दीजिए। तो आप देखेंगे कि इस रिकॉर्ड के सामने यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो अटैच हो गया है। अब यहाँ पर आप सभी रिकॉर्ड्स को एक एक करके चला के देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन दिया गया है। अब इस डेटा शीट के लिए या टेबल के लिए हम फॉर्म जनरेट करेंगे। फॉर्म एक बहुत आसान तरीका होता है किसी भी टेबल में डेटा एंट्री करने का, तो बहुत सारे लोग फॉर्म का उपयोग करते हैं, लोग एक्सेल में भी फॉर्म का उपयोग करते हैं, और एक्सेस में तो फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो इस टेबल के लिए फॉर्म बनाने के लिए आप जाएंगे अपने रिबन में और जो क्रिएट टैब है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म का टैब दिखाई देगा, और फॉर्म के टैब में आपको फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म और मल्टीपल आइटम्स जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके साथ में आपको ब्लैंक फॉर्म भी दिखाई देगा, फॉर्म डिज़ाइन का ऑप्शन दिखाई देगा और मूव फॉर्म का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉर्म विजार्ड। तो ये कैसे अलग अलग चीज़ें काम करती हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं फॉर्म वाले ऑप्शन पर। जब आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो एक्सेस अपने आप ही आपको ऑटोमेटिक एक फॉर्म जनरेट करके दे देगी। आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से आपने अपनी टेबल बनाई थी उसी तरीके से उसी सीरीज़ में यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट होके आ गया है, और इस समय ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको लेआउट व्यू में। यहाँ पर तीन तरीके के व्यू हैं फॉर्म को देखने के लिए, एक है फॉर्म व्यू, एक है लेआउट व्यू और एक है डिज़ाइन व्यू। तो लेआउट व्यू में आप इसके ऊपर के जो कलर है, जो नाम है, जो इसके डिज़ाइन है, अगर आपको कॉलम को छोटा बड़ा करना है तो आप वो सारे काम लेआउट व्यू में कर सकते हैं, और डिज़ाइन व्यू में भी आप इन कामों को कर सकते हैं। लेकिन लेआउट में आप जो कलर संबंधित काम है, आपको इसको थीम चेंज करना है और भी कोई चीज़ करनी है, तो वो काम आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लेआउट व्यू को देख लेते हैं। यहाँ पर आईडी आ गया है, यहाँ पर जो आपने नाम लिखा था वो आ गया है, आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट नेम है, यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर सिटी है, और यहाँ पर आप देखेंगे वही कॉम्बो बॉक्स जो हमने पिछले वीडियो में आपको बनाना सिखाया था वो आ गया है। फ़ोन नंबर के लिए अलग यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया है, और ईमेल आईडी के लिए अलग टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने एक अटैचमेंट भी लिया था उसके लिए भी यहाँ पर एक अलग बॉक्स बन गया है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार फॉर्म व्यू में। तो आप देखेंगे फॉर्म व्यू में इस तो केवल टैब दबाने से ही आप यहाँ पर डेटा को एंटर कर पाएंगे। नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर ये जो जो बटन है वो है फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, और ये जो बटन है वो है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे आईडी 6 आ गई है, और ये जो बटन है वो प्रीवियस जाने के लिए है, और ये बटन है नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए। और नया रिकॉर्ड जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये बटन, आप इस बटन को दबाकर एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं और सीधे सीधे वहाँ पर डेटा की एंट्री कर सकते हैं। आप देखेंगे ये इस तरीके से होता है, और यहाँ पर आप सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और फ़ोटो को अटैच करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप सीधे सीधे किसी भी फ़ोटो को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका फॉर्म है वो काम करने लगता है।
तो अभी ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए हमें जाना होगा दोबारा से क्रिएट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्म पर। ब्लैंक फॉर्म को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा और साइड में आपकी आ जाएंगी फील्ड लिस्ट जो आपने अपने टेबल में बनाई थी। अब इस जो फॉर्म को हम ले जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके का व्यू। यहाँ पर आपको ऊपर को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, यहाँ पर दे रखे हैं कॉम्बो बॉक्स, कई तरीके के कुछ टिक्स ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ पिक्चर्स दे रखी है, अटैचमेंट के लिए अलग ऑप्शन दे रखा है। तो एक एक करके इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं आईडी पर। तो आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आईडी के लिए एक बॉक्स आ जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से रीनेम या कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको उठा के रख लिया है, आप देखिए इस तरीके से आपने ये उठा लिया। उसके बाद आपको नाम चाहिए तो आप नाम पर क्लिक कर दीजिए, उसको भी आप यहाँ पर अपने जैसे आप चाहें उसको खिसका सकते हैं। इसके बाद लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो इस तरीके से हमने इसको एक क्रम में लगा लिया है। और यहाँ पर आपको लेफ़्ट, राइट और सेंटर के ऑप्शन दिखाई देंगे, इससे आप जो इसके अंदर का फॉन्ट है उसको लेफ़्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको ठीक से लगा लेते हैं। ये हमने सभी जो हमारे पास ऑप्शन थे उनको ठीक से लगा लिया है अपने हिसाब से। अब यहाँ पर हमें और भी कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर दिखता है हमें बटन का ऑप्शन। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जो नीचे आपके पास ऑप्शन थे जो बटन दिए गए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे सिंपल इस बटन को लीजिए और यहाँ पर इसको जैसे आप पेंटिंग में पेंट बनाते थे उसी हिसाब से इसको यहाँ पे पकड़ के लेके आना है। और ये आपसे पूछेगा कमांड, तो यहाँ पर जो कमांड है वो रिकॉर्ड नेविगेशन की है, रिकॉर्ड ऑपरेशन की है, फॉर्म ऑपरेशन की कुछ कमांड्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर कई तरीके की कमांड दे रखी हैं। तो सबसे ऊपर दिया गया है रिकॉर्ड नेविगेशन। यहाँ पर जो रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए आप बटन तैयार कर सकते हैं, इस बटन को आप क्या कमांड देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देंगे इस बटन को कमांड गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, जो बटन आपको नीचे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। तो आप अगर यहाँ पर इसको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बटन के ऊपर, ये देना चाहते हैं कि आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाइए, या हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके का एरो बटन है या जो कुछ भी है, और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर कमांड 7 के नाम से ये बटन सेव हो जाएगा, इसको फिनिश कर दीजिए। आप देखिए एक छोटा सा बटन यहाँ पर बन गया है। इसी तरीके से आप दूसरा बटन बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस बटन को बनाएंगे लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो इसी तरीके से इसको क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट रिकॉर्ड के लिए एक बटन बन गया है, इसको आप जहाँ चाहें वहाँ पर खिसका के सेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एक बटन और बना लेते हैं जो कि होगा हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप झट से तैयार कर लीजिए। तो ये हो गया नेक्स्ट के लिए। और इसी तरीके से हम बना लेते हैं एक बटन प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए भी। ये देखिए यहाँ पर एक बटन प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए हो गया। इन बटन को आप अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बटन की और कमी है, और वो बटन आपको चाहिए न्यू रिकॉर्ड के लिए। यानी नया रिकॉर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये बटन हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड ऑपरेशन का। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे और ऑप्शन दिखाई देंगे, इस बटन के लिए एक्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड और अंडू रिकॉर्ड जैसे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आप के लिए जो सबसे अभी पहला बटन है वो है ऐड न्यू रिकॉर्ड का। तो आप इसको बना लीजिए, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, पेंसिल का निशान भी बना सकते हैं और गो टू न्यू का भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर एक जो बटन बना रहे हैं इसको हम टेक्स्ट लिख के बनाएंगे, और इस बटन को हम लगा लेते हैं सबसे आखिर में। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर जो फॉर्म है वो मैनुअली डिज़ाइन कर लिया है। अब नंबर आता है फ़ोटो का अटैचमेंट लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे फ़ोटो पर, तो आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको फ़ोटो की विंडो दिख रही है आप उसको यहाँ से उठाकर और उसके ऊपर ले जा सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है ये हमारे फॉर्म व्यू में कैसा दिखाई देता है। तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको फॉर्म व्यू में। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी बॉक्स छोटा बनाया है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं,
उसको बड़ा करने के लिए आप लेआउट व्यू में चले जाइए। आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी का जो बॉक्स है वो छोटा है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए सिंपल और माउस से ड्रैग करके उसको बड़ा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन चाहते हैं, आपको जो सुविधा अनुसार लगे, आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कमियाँ और भी हैं, तो हम उसको यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल के लिए यहाँ पर अपना मैनुअल जो फॉर्म है उसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म को सेव जरूर कर दीजिएगा, जब आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ पर नाम दे दीजिए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं टेबल वन कॉमा करके इसको वन कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ आपको दिखाई देंगे, ऑफिस डेटा हो गया और टेबल वन के नाम से हमने यहाँ पर फॉर्म बना लिया। तो आप देखेंगे ये फॉर्म काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जब तक आप लेआउट व्यू में रहेंगे ये फॉर्म काम नहीं करेगा, आपको इसके लिए जाना होगा फॉर्म व्यू में। जब आप फॉर्म व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर सारे जो बटन हैं वो आपके काम करने लग जाएंगे। न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं किसी का भी, देखिए इस तरीके से, और लास्ट नेम। तो जैसे जैसे आप टैप करेंगे वैसे वैसे आप अगले बॉक्स में चलते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। इसके बाद में जो फ़ोटो वाला जो बॉक्स दिया गया है हमने अटैचमेंट के लिए, उस पर डबल क्लिक करना है और आप यहाँ से किसी भी फ़ोटो को आराम से अटैच कर सकते हैं। आप देखिए मैं एक फ़ोटो अटैच करके आप दिखा देते हैं, ये देखिए ये फ़ोटो अटैच हो गया, इसे ओके कर दीजिए तो ये आपको यहाँ पर फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा। इस तरीके से ये फ़ोटो आ जाएगा। तो जिन लोगों को अपने स्कूल का या किसी भी ऑफिस का डेटा बनाना है विद फ़ोटो, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने स्कूल के जितने बच्चे हैं उन सबका डेटा तैयार करना है, आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना है या उनका डेटाबेस मैनेज करना है, तो वो इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये बटन आपके अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने बटन बनाया था फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, ये बटन बनाया था हमने लास्ट रिकॉर्ड के लिए, ये दो बटन बनाए थे हमने प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना एक मैनुअल फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। अब फॉर्म के लिए यहाँ पर जो लेआउट व्यू में अगर आप चले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स भी फॉर्म के लिए मिल जाएंगी। ये सारी जो थीम है ये फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हैं, आप किसी भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। तो आप उसे फॉर्म को अपना एक कलर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग तरीके के कलर हैं, आपने देखा होगा इंटरनेट पर जब आप इस तरीके के फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पर कई तरीके के कलर मिलते हैं। और इसी तरीके से लेआउट व्यू में आप इनका नाम भी बदल सकते हैं, आप चाहते हैं इनको कुर्तदेव फॉन्ट में लिखना तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप एक साथ सेलेक्ट करके उन सभी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जो आप यहाँ पर जो फॉन्ट चेंज करेंगे वो आपको सिर्फ इस फॉर्म पर ही दिखाई देगा, आपकी टेबल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब तक जो डेटा है वो हमने कुल जो 7 या 8 डेटा हमने यहाँ पर एंटर किए हैं और वो हमको यहाँ पर आप देखिए 8 रिकॉर्ड हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब इन रिकॉर्ड्स के आधार पर हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसको कैसे हम जनरेट करते हैं ये हम सीख लेते हैं। तो आप जाएंगे रिबन में, यहाँ पर आपको क्रिएट का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट लेबल, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिज़ाइन जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पहले जो रिपोर्ट का बटन है उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपकी एक बेसिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन जैसे कि हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल भी ठीक तरीके से तैयार नहीं होती है, एक्सेल इसको थोप थाप के यहाँ पर रख देती है। अब जो रिपोर्ट है वो आपको तैयार करनी है। मैनुअल रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देख लेते हैं। तो मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको फिर से वहीं पर जाना होगा, इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट के बटन पर और आप यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट विजार्ड पर। तो विजार्ड एक अच्छा तरीका होता है फॉर्म और रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बिना देर किए हम विजार्ड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे टेबल और क्वेरी मांगेगा कि आप किस टेबल या किस क्वेरी से यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। तो हमने क्वेरी अभी आपको बताई नहीं है, सिर्फ टेबल के बारे में जानकारी दी है और सिर्फ एक ही टेबल हमने यहाँ पर बनाई है, तो आपको कुछ ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा टेबल बनाई है तो आप इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करके वो टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो टेबल में अवेलेबल फील्ड होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो आप जिस भी फील्ड को अपनी रिपोर्ट में लेना चाहते हैं उन फील्ड्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आईडी, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोटो। फ़ोटो का और जो डाटा नीचे दिया गया है आप उसे न लें क्योंकि ये रिपोर्ट में ठीक तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम फ़ोटो केवल अकेला ले लेते हैं, बाकी इन जो फील्ड हैं इनको हम छोड़ देते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज का प्रीव्यू दिखाई देगा और आपके सभी फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी क्या है कि
जैसे हम एक्सेल में शॉर्ट करा देते थे डेटा, उस तरीके से ये प्रायोरिटी का ऑप्शन है। अगर आप नेम से डेटा को प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले नाम आएगा और नाम के आधार पर डेटा को लगा दिया जाएगा। अगर आप आईडी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो आईडी के हिसाब से डेटा लगा दिया जाएगा, और आप सिटी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सिटी के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर दी जाएगी। तो हम पहले सिटी के हिसाब से ही प्रायोरिटी सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं और इस बटन को क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे जो सिटी है वो ऊपर आ गई है और बाकी सारा जो डेटा है आपका, जो रिकॉर्ड है वो नीचे आ गया है। अब इसको नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप नाम को भी ले सकते हैं, लास्ट नेम को भी ले सकते हैं, जिसको चाहें आप उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नाम को लेना तो आप नाम भी ले सकते हैं, तो ये ए टू जेड लगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पर चार बार आपको डेटा को शॉर्ट कराना हो तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम नेम को ले लेते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिपोर्ट का लेआउट आप कैसा रखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है और आउटलाइन दे रखी है, तो आप तीनों में से कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप ले लेते हैं। इसके बाद में आप ओरिएंटेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पेज का, जो रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी वो किस प्रकार से आप उसको जनरेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है, एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड फिट ऑन द पेज। तो ये एक तरीका है आपके सारे फील्ड को पेज पर फिट करने का। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज पर जो आपके फील्ड, जो आपकी रिपोर्ट जनरेट हो वो फिट हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए। वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी पेज की स्टाइल है, यानी कि आपका जो टाइटल कलर है वो कैसा होना चाहिए, आपका पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं अपने पेज के लिए, तो यहाँ से हमने ये स्टाइल सेलेक्ट कर ली। इसे नेक्स्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो प्रीव्यू का और एक मॉडिफाई करने का। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट को आप नाम दे सकते हैं, तो ऑफिस डाटा ठीक है। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो उसको यहाँ से बदल कर दे सकते हैं। तो इसके बाद से इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपको आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप देखेंगे ऑफिस डाटा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने प्रायोरिटी दी थी सिटी, तो आगरा वाले लोग हैं वो पहले आ गए हैं, और ये हाथरस वाले, उसके बाद मथुरा वाले लोग हैं। तो इस तरीके से इसने ये डेटा हमको लगा के दे दिया है, लेकिन अभी भी ये रिपोर्ट ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए इस रिपोर्ट में हम थोड़ा सा डिज़ाइन में संशोधन करेंगे, और उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट के आइकन पर, और यहाँ से चले जाएंगे आप डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो इन सेल्स को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे जैसे हम एक्सेल में करते थे। तो एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ठीक से कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कत आए। आप देखेंगे कि सिटी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, तो सिटी के जो कॉलम था उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम है, नेम को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए। लास्ट नेम को भी आप छोटा कर सकते हैं, आईडी को भी आप छोटा कर सकते हैं। आईडी अगर आप चाहते हैं कि पहले दिखाई दे तो आप आईडी को उठाकर आगे रख सकते हैं, तो आईडी आपको पहले दिखाई देगी, फिर लास्ट नेम दिखाई देगा, फिर एड्रेस दिखाई देगा, एड्रेस को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, मोबाइल नंबर को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी दे रखी है, तो ईमेल आईडी को भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे आपने कॉलम में रिकॉर्ड फीड किया उस हिसाब से आप अपने कॉलम्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। ये सब करने के बाद में आपको सिंपल जाना है प्रिंट प्रीव्यू पर। हमने जिस तरीके से रिपोर्ट लगाई थी, हमने सिटी को प्रायोरिटी दी थी, आप देखेंगे आप सिटी पूरे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आईडी आ गया है, उसके बाद नेम आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, उसके बाद एड्रेस आ गया है, और इसके बाद मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। दोबारा से हम जाते हैं ऑफिस डेटा पर, और यहाँ पर हम चले जाते हैं लेआउट व्यू पर। तो आप देखेंगे लेआउट व्यू में जो डाटा है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम सिटी वाले सेल को और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि ये कटे नहीं। आईडी को आप यहां से सेंट्राइज कर सकते हैं, और डेटा को भी आप सेंटर में ले जा सकते हैं, थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। इसको आप फॉन्ट अगर बड़ा करना चाहें तो फॉन्ट आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए लेआउट व्यू में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेआउट व्यू का फ़ायदा उठा पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो फ़ोटो का डेटा था वो थोड़ा छोटा आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से, तो आप देखेंगे फ़ोटो भी आपको अच्छे से दिखाई देने लग गया। अगर आपको लग रहा है कि जो एड्रेस का कॉलम है वो थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए, तो वो छोटा हो जाएगा। मोबाइल नंबर के कॉलम को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि सभी मोबाइल नंबर दिखाई देने लग जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो अब ये जो रिपोर्ट बन गई है, इसके लिए फॉर्म पर बटन कैसे क्रिएट किया जाए, इस रिपोर्ट को प्रिंट निकालने के लिए सिंपल आप यहाँ पर प्रिंट व्यू पर जाकर इसको प्रिंट निकाल सकें, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं सिर्फ फॉर्म पर जाकर, तो ये भी हम सीख लेते हैं। रिपोर्ट को फिलहाल हम बंद कर लेते हैं और दोबारा खोल लेते हैं अपने टेबल को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेटा आपने फीड किया है, रिकॉर्ड का बटन यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं। इसको दोबारा से हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और यहाँ पर आपको फिर से वहीं बटन पर जाना है। बटन क्रिएट कर लीजिए,
और यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिपोर्ट ऑपरेशंस, इस पर चले जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रीव्यू रिपोर्ट। प्रिंट रिपोर्ट अगर करेंगे तो बिना प्रीव्यू दिखाई दिए वो प्रिंट निकाल दी जाएगी, तो आप इसको सिंपल यहाँ से प्रीव्यू रिपोर्ट के बटन को सेलेक्ट करें ना कि प्रिंट रिपोर्ट को, तो इसको आप नेक्स्ट कीजिए। ऑफिस डाटा सिंपल एक ही रिपोर्ट हमने बनाई है, अगर ज़्यादा रिपोर्ट होती तो आप वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद इसको नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर वही जो इमेज का ऑप्शन दे रखा है और टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप दोनों को ले सकते हैं किसी को भी। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर अपने बटन के ऊपर देखेंगे प्रीव्यू रिपोर्ट, तो इसको नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए, आप देखेंगे ये आपकी जो फॉर्म है उस पर प्रीव्यू रिपोर्ट का एक बटन आ गया है, जो हम ये डेटा फीड कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट कैसे प्रिंट होगी, या फिर आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू की जगह हमने यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट लिख दिया है और यहाँ से इसको हमने सेव कर दिया। अब आप दोबारा जाएंगे फॉर्म व्यू पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो और बटन थे उसके साथ में आपको प्रिंट रिपोर्ट का भी बटन डिस्प्ले होने लग जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे जो रिपोर्ट हमने वहाँ पर बनाई थी वो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब इसको प्रिंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कंट्रोल पी का बटन दबाना है, अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है, अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो वो यहाँ पर डाल देने हैं, ऑल पेज निकालने हैं तो ऑल पेज करने हैं, जैसे आप प्रिंट देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट देना है और इसको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेस में डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। आशा है आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए फॉर्म कैसे तैयार करते हैं और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और रिपोर्ट के लिए जो फॉर्म है उस पर बटन कैसे बनाते हैं। क्वेरी होता क्या है? क्वेरी जो टेबल है और रिपोर्ट के बीच का एक फ़िल्टर होता है, यानी आपने अगर टेबल में अपनी में 10 फील्ड सेलेक्ट किए हैं या 20 फील्ड बनाए हैं और आप एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं जिसमें से वो 10 में से 3 फील्ड ही आएँ, या उसमें कोई एक ऐसा फ़िल्टर लगा दिया जाए जिसमें से आपको, मानिए आपको सिटी वाइज आप किसी रिपोर्ट को जनरेट कराना चाहते हैं, यानी आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जहां पर केवल आगरा शहर के ही लोगों को डिस्प्ले किया जाए या केवल एनम वाले लोगों को डिस्प्ले किया जाए, तो आप वो क्वेरी लगाकर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके की क्वेरी होती हैं, तो आज जो हम बनाना सीखेंगे वो क्वेरी होगी पैरामीटर क्वेरी, और उस क्वेरी से हम कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उसका कैसे बटन हम अपने फॉर्म पर लगाते हैं, ये सारी चीज़ आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो क्वेरी बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के बटन पर, और यहाँ पर आप सबसे अच्छा ये तरीका रहेगा कि आप क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर क्वेरी विजार्ड पर चले जाइए। जब आप यहाँ पर क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कई तरीके की क्वेरी दिखाई देंगी, जिसमें क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड है, सिंपल क्वेरी विजार्ड है, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड है, तो आप सिंपल क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और इसे ओके कीजिए। जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टेबल से क्वेरी बनाना चाहते हैं, तो एक्सेस में आप कई सारी टेबल भी बना सकते हैं, आपकी 10 टेबल भी हो सकती हैं, 20 टेबल भी हो सकती हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस टेबल के लिए क्वेरी बनाना चाहते हैं। तो जो मेन टेबल होगी हम उसके लिए ही क्वेरी बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर फिलहाल एक टेबल बनाई है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल के फील्ड आपको नीचे दिखाई देंगे, जो भी आपने आईडी लिया है, नाम लिया है, एड्रेस लिया है, तो यहाँ पर आप उन फील्ड्स को जो भी आप अपने रिपोर्ट में लेना चाहते हैं क्वेरी के हिसाब से आप उन फील्ड्स को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे फील्ड आपके आपकी रिपोर्ट में आएँ तो आप सभी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा यहाँ पर हम फोटो को छोड़ देते हैं। आप देखिए यहाँ पर फोटो है, हमने उसको छोड़ दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएगा डिटेल और समरी, तो हम यहाँ पर डिटेल को सेलेक्ट करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन है, लेकिन आप मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन पर चले जाएंगे, इसे फिनिश करेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपके टेबल का नाम आएगा और आपके सभी फील्ड्स जो ऊपर लिखे हुए हैं वो आ जाएंगे। अब इस क्वेरी को जब आप रन कराएंगे तब आपको रिज़ल्ट शो होगा। रन कराने का तरीका है, यहाँ पर आपको ऊपर ये जो मार्क दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप उसे रन करा सकते हैं। जब आप इस क्वेरी को रन कराएंगे तो जो आपने फील्ड वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फोटो नहीं लिया था तो वो नहीं आया है। अब इस क्वेरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देख लेते हैं। अभी ये बिल्कुल सिंपल क्वेरी है, हमने यहाँ पे कुछ फील्ड सिलेक्शन किए थे, तो जब एक बार में आप ऐसा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। इस क्वेरी को थोड़ा सा हम और डिज़ाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने चुनिंदा फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम चाहते हैं कि रिपोर्ट में केवल दो ही फील्ड हमें नज़र आएँ, एक तो नाम और दूसरा एड्रेस, तो बाकी जो सारे फील्ड हैं आप उन पे से टिक को हटा दीजिए। आप देखिए हमने लास्ट नेम से टिक हटा दिया है, एड्रेस से हटा दिया है, फ़ोन नंबर से और ईमेल आईडी से। अब हमें क्या दिखाई देगा? केवल नाम और सिटी। अब जब इस क्वेरी को आप रन कराएंगे तो आपको रिपोर्ट में सिर्फ यही दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ से रिपोर्ट बनाते समय आप इसको शॉर्ट भी करा सकते हैं, शॉर्ट A to Z और शॉर्ट Z to A, तो देखिए इस तरीके से आप शॉर्ट करा सकते हैं।
अभी हम रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्वेरी का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अभी टेबल ही दिखाई देगी। जब हम इस क्वेरी से रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो ये जो सारे फील्ड हैं, ये जो दो फील्ड हमने क्वेरी में सेलेक्ट किए हैं, ये आपको रिपोर्ट में दिखाई देंगे। तो हम दोबारा से क्वेरी को मॉडिफाई कर लेते हैं। आप क्वेरी पर राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम सिटी का नाम एंटर करें और उसके बाद उसी सिटी का रिज़ल्ट हमें दिखाई दे। तो हम यहाँ पर पैरामीटर लगाएंगे, जो जिस फील्ड पे हमने टिक लगा रखा है उस फील्ड के नीचे आप क्राइटेरिया के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से सिंपल एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे एंटर सिटी, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और इसके बाद जब हम क्वेरी को रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एंटर पैरामीटर वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, यानी सिटी का नाम पूछा जाएगा। अब आप यहाँ पर सिटी का नाम डालिए, जो भी सिटी आपने फीड कर रखी है, और इसे ओके कीजिए। आप देखेंगे जो कि आगरा सिटी है उसी का रिज़ल्ट हमें शो कराया जाएगा और रिज़ल्ट में वो फील्ड होंगे जिनको हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हम डिज़ाइन व्यू में गए, आप देखेंगे यहाँ पर हमने नेम के फील्ड पे टिक लगा रखी है और सिटी के फील्ड पे टिक लगा रखी है, और सिटी के फील्ड में हमने क्राइटेरिया डाला है एंटर सिटी का। इस क्वेरी को हम कहते हैं पैरामीटर क्वेरी। अब आप चाहते हैं कि नाम और सिटी के साथ में ईमेल आईडी भी शो हों, लेकिन सिटी को एंटर करने के बाद में, तो आप ईमेल आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको फिर से क्वेरी रन करानी होगी और यहाँ पर डालना होगा सिटी का नाम। आप देखिए हमने दोबारा से सिटी डाली, आप देखेंगे सिटी के साथ में ईमेल आईडी को भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब एक क्वेरी हम और लगाना सीख लेते हैं। आप देखेंगे हमने सिटी से क्राइटेरिया को हटा दिया और हमने नेम पर एक क्राइटेरिया लगाया है। हम चाहते हैं कि जिन नामों का अक्षर ए से शुरू हो केवल वही नाम दिखाई दें, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ए और इसके ऊपर एक स्टार लगा देंगे और इसके बाद इस क्वेरी को रन कराएंगे। आप देखेंगे ए लेटर से शुरू होने वाले जो नाम हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी शहर के होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेरी रन करा सकते हैं। आप अपनी जो मेन टेबल है उसको देखेंगे, आप में ए नाम वाले लोग भी हैं, आर के हैं, एम के हैं, के नाम से भी शुरू होने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर कई तरीके के लोग हैं। तो इस तरीके से आप पैरामीटर क्वेरी को रन करा सकते हैं। तो ये तो हुआ क्वेरी का बनाना। अब क्वेरी से रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हमें इस क्वेरी को सेव करना होगा। तो हम दोबारा से सिटी के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया बना देते हैं, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ से यस कर दीजिए और आप देखेंगे ये जो क्वेरी है ये ऑफिस डाटा के नाम से यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब बनाते हैं इस क्वेरी के लिए रिपोर्ट। आप देखेंगे एक रिपोर्ट हमने पहले भी यहाँ पर बनाई हुई है जो ऑफिस डाटा की है, जिसमें कोई क्वेरी नहीं लगी है। यहाँ पर सिटी वाइज हमने इनको लगाया हुआ है और हमारे जितने भी फील्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल वही फील्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी सिटी हम एंटर कर देंगे, यानी सिटी वाइज। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्रिएट पर जाना होगा और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड में जब आप जाएंगे तो आपके यहाँ पर टेबल और क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल हमें क्वेरी लेनी है और क्वेरी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ वही फील्ड दिखाई देंगे जो फील्ड आपने क्वेरी में टिक लगाए थे। तो इन तीनों फील्ड्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आप देखेंगे प्रायोरिटी के लिए वो पूछ रहा है, तो हमें कोई प्रायोरिटी नहीं देनी है। आप फिर से नेक्स्ट करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए आप नेम ले सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी लेआउट सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसे नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपको अपने रिपोर्ट का लेआउट सेलेक्ट करना होगा, तो हम वो भी ले लेते हैं। यहाँ से हम एक्सेस 2007 का रिपोर्ट लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे आप नेक्स्ट करेंगे और प्रीव्यू द रिपोर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। जब आप फिनिश करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा एंटर द सिटी, तो आप जिस भी सिटी को चाहें यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और ओके करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी। आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ आगरा वाले ही लोगों को डिस्प्ले किया जाएगा। इस क्वेरी का नाम यहाँ पर दिया गया है ऑफिस डाटा क्वेरी, और पिछले वीडियो में हमने आपको रिपोर्ट को भी डिज़ाइन करना बताया है, तो आप रिपोर्ट को पिछले वीडियो देख के वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को हमें फॉर्म से जोड़ना है जो हमने क्वेरी से जनरेट की है। तो इस रिपोर्ट को हम फॉर्म से कैसे जोड़ेंगे ये सभी हम बंद कर देते हैं। हम दोबारा से फॉर्म पर जाएंगे, पे राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे और यहाँ से हम बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस बटन को क्रिएट करेंगे और जब आप बटन को यहाँ पर बना देंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट ऑपरेशन। इस पर आप चले जाएंगे और प्रीव्यू रिपोर्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आपने अभी जो दोनों अपनी रिपोर्ट बनाई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, तो क्वेरी वाली रिपोर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं।
वही आपको बटन का ऑप्शन दिखाई देगा या तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप दोनों ऑप्शन में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल टेक्स्ट को ले लेते हैं और प्रीव्यू रिपोर्ट की जगह रिपोर्ट बाय सिटी के नाम से इसको बटन को हम बना देते हैं। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है रिपोर्ट बाय सिटी, इसे आप नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो बटन हो गए, एक है प्रिंट रिपोर्ट का जो कि सीधे सीधे हमारे सभी रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा, और एक बटन हो गया हमारे पास उस रिपोर्ट के लिए जो कि सिटी वाइज हमको हमारी रिपोर्ट दिखाएगा। तो बस इसके बाद आपको जाना है फॉर्म व्यू पर। तो फॉर्म आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप जिस भी रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, आप प्रिंट रिपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। आपके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और इसके बाद जब आप क्वेरी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एंटर सिटी, तो आप यहाँ पर सिटी टाइप कर दीजिए और यहाँ से ओके करेंगे तो आपको जो क्वेरी आपने लगाई थी रिपोर्ट बनाने के लिए वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के पैकेज के साथ में आई हुई पब्लिशर 2007 ऐप। तो जब पहली बार आप पब्लिशर ऐप को ओपन करेंगे तो जिसका यूज़र इंटरफेस है वो आपको इस तरह का दिखाई देगा। पब्लिशर ऐप क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इस ऐप की? असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में नहीं तैयार कर सकते, जैसे कि बिजनेस कार्ड, कैलेंडर, ईमेल के टेम्पलेट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, या आपको जो लेबल प्रिंट करने हों वो, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये जो काम था पहले हम किया करते थे पेज मेकर में या कोरल ड्रॉ में, तो उन सभी का जो समाधान है, जो आपके ऑफिस की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं। ब्लैंक पेज के साथ में हम बाद में शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जब आप पहली बार इसे खोलेंगे तो पब्लिकेशन टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब आप ऊपर शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैंक पेज साइज़, और यहाँ पर आप बना सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, बुकलेट, बिजनेस कार्ड, डिज़ाइंड पेपर, ईमेल, एनवलप, ग्रीटिंग कार्ड, मेलिंग लेबल, मीडिया लेबल, नेम टैग्स, और ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो आपके ऑफिस में काम आती हैं, और ये आप बहुत आसानी से इनको कस्टम मेड कर सकते हैं, यानी जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट के कुछ क्लासिक टेम्पलेट्स ऊपर मिल जाएंगे, और एक बार में ही क्लिक करके तो सिंपल आप ब्लैक एंड व्हाइट और कलर एड यहाँ पर बना सकते हैं, या वैसे ही आप प्रिंट आउट करके किसी को भी प्रिंट करके दीवार पर चिपका सकते हैं अपने यहाँ पर जैसे आपको लगाना हो। तो यहाँ पर देखिए कई तरीके के एड टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर अवार्ड सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। सर्टिफिकेट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आपका एक कंप्यूटर सेंटर है और आपको अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देना है तो आप सिंपल एक क्लिक में यहाँ से सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने सारे सर्टिफिकेट के टेम्पलेट दिए गए हैं जिन पर केवल एक क्लिक करने के बाद आपको नाम, पता और कुछ चीज़ें चेंज करनी है, और आप बड़े आराम से यहाँ पर सर्टिफिकेट बना पाएंगे। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये है बैनर। खास तौर पर मुझे जो बैनर है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी बैनर बनाना है, यानी इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक फिल्म का पोस्टर होता है और वो कई टुकड़ों से मिलकर तैयार होता है, वैसे ही यहाँ पे जो बैनर है वो आपके कई सारे A4 पेज से मिलकर तैयार हो सकता है। यानी आप अपने प्रिंटर से ही एक 10x8 फिट का भी एक जो बैनर है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल में ये जो बैनर है, अगर मैंने क्लिक कर दिया है इस पर तो जो बैनर है वो आपको सिंपल प्लेन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब मैं इसके प्रिंट प्रीव्यू पर जाऊँगा, देखिए प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर कई सारे टुकड़े मिलेंगे, और ये जो टुकड़े हैं वो कई पेजेस हैं। तो ये जो बैनर है वो अलग अलग पेज पे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज पे प्रिंट होगा, और प्रिंट निकलने के बाद आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ के जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई सारे बैनर एक बार प्रिंट किए थे और अपने सेंटर में लगाए थे, तो मुझे ये खास तौर पर बहुत अच्छा लगता है। बैनर के बाद में यहाँ पर आ जाता है ब्रोशर, यानी अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपका कोई होटल है, आपका कोई बिजनेस है, और आपका कोई प्रोडक्ट आप ऐसा कोई लॉन्च कर रहे हैं जिसके लिए आपको ब्रोशर तैयार कराना हो तो आप यहाँ पे सिंपल एक क्लिक में वो तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट दिए गए हैं। आप देखेंगे ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके ढेर सारे टेम्पलेट हैं। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस कार्ड दिए गए हैं, विजिटिंग कार्ड ये अगर आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिजनेस फॉर्म दिए गए हैं,
फॉर्म बनाने के लिए आपको एमएस वर्ड में काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप एक बार में ही जो टाइम बिलिंग फॉर्म है, वीकली रिपोर्ट है, स्टेटमेंट है, परचेज ऑर्डर है, इनवॉइस है, इन्वेंट्री लिस्ट है, फैक्स ऑर्डर है, ये सारे यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, कैटलॉग दिया गया है, ईमेल के यहाँ पर जो ईमेल के लिए यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट दिए गए हैं। देखिए मैं ईमेल का एक टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको मेल भेजना हो किसी को प्रोफेशनली तो आप यहाँ पर वो भी तैयार कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ईमेल करने के लिए एक बेहतरीन टेम्पलेट दिया गया है। ये सारे मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, इसमें मैं आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा पब्लिशर कितने काम की चीज़ है। अब यहाँ इसके बाद में आप चलेंगे तो नीचे यहाँ पर एनवलप प्रिंट करने के लिए ऑप्शन है, गिफ्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन है, ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, अगर छोटी सी कोई घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई छोटा सा प्रोग्राम है तो यहाँ पर आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, थैंक यू कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके एमएस वर्ड के कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं पेज के, एक बार में ही आप एमएस वर्ड का जो टेम्पलेट है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉर्नर में तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, यहाँ पर आप टू साइड जो पोर्ट्रेट पेज है वो तैयार कर सकते हैं जो हम पेज मेकर में तैयार करते थे। यहाँ पर इनविटेशन कार्ड दिया गया है, लेबल दिया गया है, आपका अगर कोई रेस्टोरेंट है तो आप उसके लिए मेन्यू यहाँ पर बना सकते हैं। एक साथ में कई सारी चीज़ गई हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चुटकियों में रेज्यूमे तैयार कर सकते हैं, वो रेज्यूमे के लिए भी टेम्पलेट्स दिए गए हैं। तो ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है एमएस पब्लिशर, यहाँ से आप ढेर सारे काम कर सकते हैं, चुटकियों में ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट तैयार करके दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी एक सर्टिफिकेट हम ओपन कर लेंगे। तो चलिए ये वाला कर लेते हैं जिस पर लिखा है ग्रेट आइडिया, तो यहाँ पर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये जो सर्टिफिकेट है वो हमारे सामने आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, आपका जो भी अवार्ड का नाम हो, जैसे यहाँ पर आप ऊपर उसको नाम बदल सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mybigguide.com, ये देखिए मैंने नाम बदल दिया। और यहाँ पर सिंपल आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, और अगर आपका कोई बिजनेस नेम है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, सिग्नेचर कर दीजिए और बस प्रिंट आउट कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन वाला जो आपका लोगो दिया गया है, आप चाहें तो उसको लोगो को भी बदल सकते हैं, तो यहाँ पर भी mybigguide.com लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप किसी भी लोगों को क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है, इसको आप डबल क्लिक करें। यहाँ पर ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन भी है जो एमएस वर्ड में भी था, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं कंप्यूटर, सर्च करते हैं, इसको गो करते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारी कंप्यूटर की जो क्लिप आर्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और कोई भी अगर आपको यहाँ पर लगाना है तो बस डबल क्लिक कीजिए और आपके जो लोगो है वो तुरंत से चेंज हो जाएगा। बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसको इस्तेमाल कीजिए और आप बताइए कि ये एप्लीकेशन आपके क्या क्या काम आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे, वैसे अभी जो आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं वो वर्ड 2007 का ना होके थोड़ा सा ऑफिस एक्सपी जैसा यहाँ पर दिया गया, लेकिन फिर भी ये जो एप्लीकेशन है आपके बहुत काम आ सकती है। अब चलिए हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ पर हमको जाना है, न्यू पर जाना है और यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लैंक पेज। पेज जब आप ब्लैंक लेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे साइज़ मिलेंगे, जैसे A3, A4 आप इसको ले सकते हैं। A4 के लिए भी यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, तो लैंडस्केप ले लेते हैं और इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर A4 साइज़ का लैंडस्केप पेज हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बनाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई बिग गाइड और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है फॉन्ट का, इसको हमने बड़ा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज के लिए आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा लोगो लगाने के लिए, यहाँ पर आपको कलर स्कीम्स मिलती हैं अपने पेज के लिए, जो भी आप कलर टेम्पलेट लेंगे उसी के हिसाब से आपका जो पूरा पेज है वो बदल जाएगा। यहाँ पर फॉन्ट के लिए आपको स्कीम्स मिलती हैं, यहाँ पर आपको पब्लिकेशंस ऑप्शन मिलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर टेबल का भी ऑप्शन मिलता है, टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे और ऐसे पकड़ के इसको खींचेंगे तो आप यहाँ पर टेबल भी बना पाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपल नंबर ऑफ़ रॉ और नंबर ऑफ़ कॉलम देने हैं, तो जितने नंबर ऑफ़ रॉ और नंबर ऑफ़ कॉलम आप यहाँ पर डालेंगे उसी हिसाब से आप यहाँ पर टेबल भी इंसर्ट कर पाएंगे और कुछ भी लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिया गया है, कोई भी वर्ड आर्ट आप सेलेक्ट करके और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं।
और यहाँ से इसको आपको ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपने अपने पेज पर वर्ड आर्ट भी इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनसे आप अपने पेज को, किसी सर्टिफिकेट को, किसी रेज्यूमे को बड़े आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर क्विकली कुछ तैयार करना है तो आप इसके जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करें, और इसके आगे की जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आउटलुक को ओपन करने के लिए आप अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च में टाइप कीजिए आउटलुक। तो जैसे ही आप आउट टाइप करेंगे आपको यहाँ पर सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक दिखाई दे जाएगा, आपने जिस भी ऑफिस का वर्ज़न इंस्टॉल कर रखा होगा उसके साथ में। इसको क्लिक करके हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो आउटलुक जब आप स्टार्टिंग में ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आउटलुक है क्या। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। ये आपके किसी भी मेल सर्वर से, चाहे आपने याहू पे अकाउंट बना रखा हो, चाहे गूगल पे अकाउंट बना रखा हो, या माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बना रखा हो, ये एक ईमेल क्लाइंट की तरह काम करता है। और आप एक साथ इससे कई सारे ईमेल आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं और बिना उन ईमेल आईडी को खोले आप आउटलुक से या तो मेल भेज सकते हैं या तो रिसीव कर सकते हैं। अब इस आउटलुक अकाउंट को सेटअप कैसे करते हैं ये हम जान लेते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें आउटलुक से अपने ईमेल अकाउंट को कन्फिगर कराना है, चाहे हमारा ईमेल अकाउंट किसी भी साइट पर हो, हमें उसके ईमेल सर्वर से आउटलुक को कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आप इसको येस कर दीजिए और यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो अकाउंट सेटअप का। यहाँ पर आपको नाम डालना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपको दो बार अपना पासवर्ड एंटर करना है। लेकिन इसके बाद में एक सेटअप और दिया गया है यहाँ पर, मैनुअली कॉन्फ़िगर सर्वर सेटिंग। इस पर क्लिक करके आप मैनुअली भी अपने अकाउंट का सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन और दिखाएगा। पहला इंटरनेट ईमेल, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और तीसरा अदर्स। अदर्स में आप अपनी और भी दूसरी सर्विसेज को यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जीमेल को जोड़ने के लिए। कनेक्ट योर पीओपी, आईएमएपी और एचटीटीपी सर्वर्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस। तो यहाँ पर ये तीन शब्द दिए गए हैं। एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, और पीओपी का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आईएमएपी का मतलब है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये तीनों प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। प्रोटोकॉल यानी नियम होते हैं कुछ ईमेल सर्वर्स के, और उसके बाद अपने ईमेल मैसेजेस को आउटलुक पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है योर नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर पूछ रहा है ये अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर अकाउंट टाइप में दिए गए हैं POP3, IMAP और HTTP। तो यहाँ पर आपको जब आप जीमेल से इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी IMAP अकाउंट की, क्योंकि जीमेल का जब हमने अकाउंट चेक किया तो वहाँ पर जो जीमेल की सर्विसेज हैं वो काम करती हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल पर। और उसके बाद डालना है आपको जीमेल का इनकमिंग सर्वर और जीमेल के आउटगोइंग मेल सर्वर का नाम। तो हमने जीमेल की वेबसाइट्स को चेक किया और वहाँ पर हमें मिला सर्वर क्लाइंट का नाम। तो जीमेल का जो इनकमिंग मेल सर्वर है उसका नाम है imap.gmail.com, और जो आउटगोइंग सर्वर है उसका नाम है smtp.gmail.com। तो आप इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आउटलुक में पेस्ट कर दीजिए। तो हमने ये इनकमिंग सर्वर को यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद में हम आउट गोइंग सर्वर का नाम भी यहाँ से पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम डाल देंगे अपना नाम, इसके बाद हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अपना यूज़र नेम, जो भी हमारा यूज़र नेम होगा। अभी मैं न्यू, और इसके बाद में आपको डालना है यहाँ पर अपना पासवर्ड। तो ये वाली सारी प्रोसेस होने के बाद में आपको नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ और करनी होगी। आपको खोलना होगा अपना जीमेल अकाउंट और वहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो यहाँ पर ये हमारा जीमेल अकाउंट है और यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पर, और यहाँ पर आप सेटिंग पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉरवर्ड एंड POP/IMAP। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो POP डाउनलोड्स हैं और IMAP एक्सेस हैं वो अभी डिसेबल्ड हैं, और जब तक हम इन्हें इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप आउटलुक से इसको नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर दीजिए और यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर दीजिए। अब इसके बाद इसको आप आउटलुक से जोड़ पाएंगे। इसके बाद यहाँ से इसे सेव चेंज कीजिए, और सेव चेंज करने के बाद में आप दोबारा से आउटलुक पर जाइए और इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। आप देखेंगे जो नेटवर्क कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और जैसे ही आपका अकाउंट कन्फिगर कर लिया जाएगा आप देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ से फिनिश कीजिए और उसके बाद आउटलुक कुछ समय लेगा आपके सभी ईमेल्स को अपने इस आउटलुक अकाउंट में सिंक करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ समय आपको वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए आउटलुक ओपन हो गया है और आपके जो सभी ईमेल थे जो आपके ईमेल आईडी में अटैच थे वो सभी मेल्स जो है आउटलुक के अकाउंट पर सिंक किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ये जो सभी ईमेल आप देखेंगे यहाँ पर हमारा अकाउंट है, और यहाँ पर जो सभी इन जो ईमेल हैं वो आपके धीरे धीरे करके
कुछ समय बाद यहाँ पर सिंक कर लिए जाएंगे और आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो अभी ईमेल्स को सिंक होने में कुछ समय भी लग सकता है, तो सबसे पहले यहाँ सीख लेते हैं कि आप आउटलुक में क्या क्या कर सकते हैं। तो जब आप न्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू मैसेज के अलावा पोस्ट इन दिस फोल्डर, फोल्डर सर्च फोल्डर, अपॉइंटमेंट, मीटिंग रिक्वेस्ट, कॉन्टैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, टास्क, टास्क रिक्वेस्ट, जर्नल एंट्री, नोट और इंटरनेट फैक्स जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आपको अगर कोई ईमेल भेजना है तो आपको सिंपल मेल मैसेज पर जाना है। तो यहाँ पर टू में जिस तरीके से आप जीमेल में किसी का ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं, वहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस टाइप करना है और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है अपना मैसेज। मैसेज टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड में सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं एडिटिंग के, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट, यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज़ और उसी तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी फाइल अपने ईमेल के साथ में अटैच करके उनको भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप बना सकते हैं अपने ईमेल के लिए सिग्नेचर। इसके साथ में यहाँ पर आप अपने ईमेल के साथ में कोई पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट शेप या चार्ट भी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड के सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप और भी तरीके से अपनी ईमेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपकी ईमेल को पूरी तरीके से सजाने के लिए। जब आपका ईमेल तैयार हो जाए तो सिंपल आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है और आपका मेल उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाएगा जहाँ उसको आप भेजना चाहते हैं। और इस ईमेल आईडी पर आने वाले सभी जो मेल हैं वो आपको यहाँ पर इनबॉक्स में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक इनबॉक्स भी दिया गया है, अभी ये पूरी तरीके से सिंक नहीं हुआ है और जैसे ही यहाँ पर सारे ईमेल्स आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये तो हो गया मेल का सेक्शन, और मेल के सेक्शन के बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी दी गई है, ये है कैलेंडर। तो आउटलुक बॉक्स में आप अपने जो डेली के टास्क हैं, जो टू डू हैं, वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं और वो यहाँ पर आपको दिखा देगा डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। तो यहाँ पर हम किसी दिन में कोई एक टास्क सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगले संडे को जैसे हमें अपना रिमाइंडर लगाना है, तो यहाँ पर हम संडे वाले दिन यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे सब्जेक्ट। तो ये हमें याद दिला देगा कि हमें संडे लाइव करना है। और स्टार्ट टाइम क्या रखेंगे, तो स्टार्ट टाइम हम रखेंगे 14 तारीख से 14 तारीख। तो ये जो इवेंट रहेगा वो रहेगा 10:30 से 11:30 बजे तक का। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक रिमाइंडर बना सकते हैं और यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं सेव। और सेव करने के बाद में आप देखेंगे कि 14 तारीख में ये जो रिमाइंडर है ये हमें मेल पर भी रिमाइंड करा दिया जाएगा कि आपको 14 तारीख को ये काम करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन और यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जाना है आपको न्यू पर, और न्यू पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल एंटर करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा नेम का ऑप्शन, कंपनी, जॉब टाइटल, ईमेल आईडी और बिजनेस के जो भी फ़ोन नंबर हैं और भी जो कुछ डिटेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक हम बना के देख लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर नाम डालेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड टाइप बनने को तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप डाल दीजिए मिस्टर, मिडिल नेम कोई नहीं है, लास्ट नेम और अगर एक से ज़्यादा लोग हों तो आप यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे ओके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप नाम आ गया है और नाम जो है जो फाइल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, पहले सरनेम आएगा और फिर नाम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले नाम और फिर सरनेम आए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उस व्यक्ति का अगर आपका कोई फ़ोटो हो तो वो आप यहां से लगा सकते हैं। उसके बाद आप उनका ईमेल आईडी यहां पर टाइप कर सकते हैं, डिस्प्ले एज किस तरीके से होगा, उनका कोई वेब पेज एड्रेस हो तो वो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास उनका कोई नंबर हो तो आप वो यहां पर भी टाइप कर सकते हैं। तो यहां पर हम ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप हो गया है। अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो नंबर भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कोई भी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। और देखिए जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड कर देंगे तो ये उसका अभी एरिया कोड भी मांगेगा, तो एरिया कोड 91 आप यहाँ से ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखिए इसको यहाँ से ओके करेंगे तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा और ये मोबाइल नंबर दिखाएगा बिजनेस का। तो और इसको यहाँ से सेव कर दीजिए तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स में एक कार्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको कई व्यू में यहाँ से देख सकते हैं, बाय कैटेगरी, बाय कंपनी, बाय लोकेशन। तो ये पूरी तरीके से अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उसको पूरी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आप आउटलुक से वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, उनको एक साथ में मेल कर सकते हैं, कैलेंडर में अपने टास्क शेड्यूल बना सकते हैं। तो आउटलुक आपको पूरी तरीके से आपके बहुत काम आने वाला है। अब लास्ट में एक ऑप्शन और आता है, अगर आप चाहते हैं अपने ईमेल अकाउंट को आउटलुक से डिसकनेक्ट करना तो आपको सिर्फ जाना है टूल पर, यहाँ पर जाना है ऑप्शन पर, यहाँ आपको मेल सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ईमेल अकाउंट्स, यहाँ पर चले जाइए, अपने ईमेल अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। ऐसा करने से आपका जो ईमेल अकाउंट है वो आपके आउटलुक से रिमूव कर दिया जाएगा। इसको ओके और अप्लाई कीजिए और यहाँ से अपने आउटलुक को बंद कर दीजिए। अगली बार जब आप आउटलुक ओपन करेंगे
तो आपको एक नया ईमेल अकाउंट आउटलुक से जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके ईमेल्स जो हैं यहाँ से सिंक हो पाएंगे। तो नया ईमेल अकाउंट जोड़ने के लिए आपको दोबारा से टूल्स पर जाना होगा, ऑप्शन पर जाना होगा, यहाँ पर मेल सेटअप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आपको जाना होगा ईमेल अकाउंट्स पर, यहाँ पर आपको वही न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा और न्यू करने पर आप सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ पर अपने ईमेल्स को अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।